Hi students, myself Dr. P.L. Saini, Team Botany, CLC Seeker. अपना आज का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं. तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एन एक्सियल सरफेस ऑफ ए डॉर्सी वेंट्रल लीफ यूजुअली हैज मोर स्टोमेटा. रोंग हो गया, क्योंकि एडेक्सियल सरफेस पे कम होते हैं, ऐप पे ज्यादा होते हैं डोर्सो वेंट्रल लीफ में. सो इट इज रोंग. सेकेंड नंबर आता है, पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स, दे प्रोवाइड सिंप्लास्टिक पाथ ऑफ मिनरल एंड वॉटर. पैसेज सेल मार्कोशिकाएं किसका पार्ट होती है, एंडोडर्म का, और एंडोडर्म तक जो है मिनरल्स और वाटर का ट्रांसलोकेशन जो है वो दोनों वे में हो सकता है, सिंप्लास्टिक एपोप्लास्टिक, बट एंडोडर्म से ओनली सिंप्लास्टिक. सो इट इज करेक्ट. फिर नेक्स्ट आता है, सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन ओनली डाइकोट्स. ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, केवल थोड़ी मिलती है, जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट्स दोनों में होती है. सो इट इज रॉन्ग. फिर हमारे पास आया, पेरेन्काइमा इज मोर प्रिमिटिव टिश्यू ऑफ प्लांट्स. बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज इट अकर्स फ्रॉम एल्गी टू हायर प्लांट्स. हम मानते हैं कि एल्गी में टिश्यू नहीं होता, पर उसकी एक सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल पेरेन्काइमा की जैसी होती है. सो इट इज ऑल्सो करेक्ट. फिर है, कंजक्टिव टिश्यू इज लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इन रूट्स. रूट के अंदर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स जो है रेडियल है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनको बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसके लिए आप कंजक्टिव टिश्यू वर्ड यूज करते हैं. सो इट इज कॉल करेक्ट. बी डी ई कौन से में आ रहा है, थर्ड में. सो आंसर थर्ड इज करेक्ट. इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड. देखिए, टिश्यू की डेफिनेशन हम लोग यही तो रखते हैं कि ए ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन ऑरिजन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर. तो इसने कहा है कि परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स है वो स्पेशलाइज्ड किस में होती है. तो आपके पास आता है फंक्शनली, स्ट्रक्चरली, बोथ फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली एंड पोजिशनली. तो आंसर कौन सा आ जाता है, फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली बोथ. स्पेशलाइज्ड होगी सेल कार्य के लिए भी और संरचना के लिए भी. स्थान से क्या मतलब है, आप ये बताइएगा, पेरेन्काइमा जो है वो कैसा पार्ट होता है, परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू. टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं तो ये लास्ट वाला भी अपन काउंट कर लेते, बट एक सिंगल टिश्यू की आप बात कर रहे हैं तो परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं. तो उसमें क्या आ जाता है, एपिडर्मल सेल्स जो है वो भी पेरेन्काइमेटस हो सकती है और पेरिसाइकल भी पेरेन्काइमेटस हो सकता है. पोजिशन का कोई वर्क नहीं है, बट फंक्शनली और स्ट्रक्चरली थोड़ी सी क्या होती है, स्पेशलाइज होती है, हर एक की कंडीशन चेंज होती रहती है. तो आंसर का हमारा कौन सा चला जाता है, थर्ड. फिर नेक्स्ट आया हमारा अगला पॉइंट, थर्ड, स्टिल्ट रूट आर अराइज फ्रॉम. देखिए, स्टिल्ट रूट के लिए आप बात करें तो ये स्टेम है और ये नोड्स हैं. तो लोअर नोड्स जो सॉइल के बिल्कुल पास होती हैं, मतलब ग्राउंड के बिल्कुल पास होती है, वहां से अराइज होती हैं और ये उसको क्या देती है, मतलब जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है प्लांट को. तो आपके पास कैसा आ जाएगा, इसलिए कहा नोड्स, सारी नोड्स से अराइज नहीं होंगी, हालांकि नोड से अराइज होती हैं, बट ऑल नोड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ओरिजिन ऑफ स्ट्रीट रूट. फिर सेकंड आता है इंटरनोड्स, इंटरनोड से तो हो भी नहीं सकता, इंटरनोड्स एंड नोड्स दोनों से नहीं हो सकता. तो आंसर हमारा चला जाता है फोर्थ, ओनली लोअर नोड्स. तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया. फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो आपके पास आता है नेक्स्ट, बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स. किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, स्टेम के रेफरेंस में बात पूछ रहा है, तो करेक्ट है. सिंथेसिस ऑफ प्लांट रेगुलेटर्स, ये इसका वर्क नहीं है. रूट में ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है ना वो क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, बट यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती. सो इसको हम ये नहीं होगा. फिर है एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, प्लांट पार्ट्स बोला है, प्लांट नहीं बोला, तो प्लांट पार्ट को तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, बिल्कुल. नेक्स्ट बोला है कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में जो फूड मटेरियल बनेगा उसको रूट तक ले जाने का काम बिल्कुल करेगा, तो ये वाला भी इसका. स्टोरेज ऑफ फूड जैसे ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, बल्ब, उनमें होता ही है. सपोर्ट बिल्कुल प्रोवाइड करेगा. प्रोटेक्शन कुछ में ये क्या करता है, स्पाइन वगैरह जो है, थोर्न वगैरह, सॉरी थोर्न जो है ना वो रखता है, तो उनसे प्रोटेक्शन भी हो जाता है. और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये भी इसका पार्ट होता है, क्योंकि जो अंडरग्राउंडेड स्टेम होता है वो पेरिनेशन को इंश्योर करता है, तो ये भी करेक्ट है. तो हाउ मेनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7.
सो सेवन आंसर आ रहा फोर्थ में, तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट की आप बात करिएगा, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड। अब इसमें आपको ध्यान देना है दोस्तों, बेलाडोना सोलेनेसी मतलब मेडिसिनल प्लांट की बात कर रहा है, सो ये करेक्ट है। फिर हमारे पास ये कहता है एलोई लिलियेसी, बिल्कुल ये भी मेडिसिनल प्लांट है। फिर ये कहता है ग्लाइसराइजा ग्लेब्रा मुलेटी, जो कफ में यूज होती है, करेक्ट है। और पिटूनिया सोलेनेसी ये ऑर्नामेंटल है, सो आंसर हमारा कौन सा चला जाता है, फोर्थ। ये कैसा हो गया, ओड हो गया इसमें, तो हमारा फिफ्थ का आंसर फोर्थ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्स्थ नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन अपोजिट फाइलोटैक्सिस, टू लीव्स आर बोर्न ऑन द अपोजिट साइड ऑफ टू अल्टरनेट नोड। भाई अल्टरनेट नोड नहीं, एक यहां से राइज हो रही है, दूसरी कह रहा है यहां से हो रही है, अपोजिट नहीं है तो अल्टरनेट हो गई। इसने यहां पर बोला है अपोजिट साइड ऑफ टू अल्टरनेट नोड्स, तो ये रॉन्ग है। फिर हमारे पास ये कहता है स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड, पिस्टिल थोड़ी स्टेमन, ये तो फीमेल पार्ट है, सो ये भी रॉन्ग है। अगला कहता है इन मेज स्ट्रिक्ट रूट रूट्स आर अराइज फ्रॉम ओनली लोअर नोड्स, करेक्ट हो गया। और फिर बोलता है इन कैलोट्रॉपिस स्टेमन शो गाइनेंड्रस कंडीशन, बिल्कुल सही है, स्टेमन में एंड्रोसियम और गाइनोशियम आपस में फ्यूज हो जाते हैं, उसको गाइनेंड्रस कंडीशन बोला जाता है। तो आर एंड टी करेक्ट है और पी एंड क्यू जो है दे आर इनकरेक्ट, सो आंसर चला जाता है सिक्स में थ्री, तो सिक्स का आंसर थ्री हो गया। फिर हमारे पास सेवन, अगला नंबर आता है सेवन नंबर क्वेश्चन, द मार्जिन ऑफ द थैलेमस एनक्लोज द हाफ ऑफ ओवरी एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर आर अराइज फ्रॉम लेटरल साइड ऑफ ओवरी, दिस कंडीशन कैन सीन इन फॉलोइंग हाउ मेनी प्लांट्स। आपके पास ये थैलेमस है, इस थैलेमस में ये ओवरी प्रेजेंट हो गई इस तरीके से, ठीक है, सॉरी थैलेमस मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया। आप ये देखिएगा, ये ओवरी आपके पास और ये थैलेमस है जो इसको यहां तक कवर कर रहा है, उसके बाद अदर वल्व जो है दे आर अराइज फ्रॉम दिस पार्ट, देन इस टाइप की ओवरी के लिए आप लोग टर्म यूज करते हो कौन सी, इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी की बात कर रहा है। सो ये कह रहा है द मार्जिन ऑफ थैलेमस एनक्लोज द हाफ, ओ सॉरी अपन ने ले लिया इसको कौन सा कंप्लीट, ये पेरी गाइनस की बात कर रहा है, आपके पास ओवेरी ये वाली, ठीक है, और ये थैलेमस इसको यहां तक कवर करके रखता है ऐसे, बाकी के वाल्स जो है वो यहां से अराइज हो रहे हैं इस तरीके से, और ये हो गया आपके पास कैलिक्स कोरोला। तो इस कंडीशन में सेमी सुपीरियर ओवेरी की बात की जा रही है, मीन्स ओवेरी सेमी सुपीरियर, सेमी सुपीरियर ओवेरी कैन सीन इन प्लम पीच एंड रोज, आपको यही तीन नेम याद रखने, इसमें इंफीरियर ओवेरी है, इसमें इंफीरियर ओवेरी है, इसमें इंफीरियर है, इसमें इंफीरियर है, बस अब बच गए आपके पास टू मेंबर्स प्लम एंड रोज, सो आंसर कौन सा चला जाता है सेवन में थ्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट नंबर आपका, पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स वर ऑब्जर्व, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर ए डेवलप एरियली एंड प्रोड्यूस रूट वेन कम इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल। ये आपके पास एक प्लांट है ये वाला, और यहां से ब्रांच राइज हुई और ये क्या है सॉइल के कॉन्टेक्ट में आने के बाद इस तरीके की कंडीशन शो करती है, इट मीन्स इट इज द स्टॉलन, ठीक है। सेकेंड बोलता है ये स्ट्रक्चर बी डेवलप्स फ्रॉम अंडरग्राउंडेड पार्ट ऑफ द स्टेम ग्रो ऑब्लिकली, ये सकर की डेफिनेशन है, ये स्टेम है, ये ऑब्लिक है इस तरीके से अराइज हुई और ये वाला पार्ट अंडरग्राउंडेड रह गया और ये इस कंडीशन में अराइज हुई, तो आपने इसके लिए शकर वर्ड यूज किया, तो ए इज स्टोलन एंड बी इज सकर, आंसर आएगा थर्ड, ये हो गया इसका थर्ड आंसर, बड़ा सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन नंबर, रिप्रोडक्टिव रूट्स आर फाउंड इन, रिप्रोडक्टिव रूट या तो आपको सीसम डालवर्जिया में देखने को मिलेंगे, आइपोमिया बटाटा स्वीट पोटेटो का बॉटनिकल नेम है उसमें मिल जाएंगी, सेंट पोलिया में मिल जाएंगी, सो रिप्रोडक्टिव रूट कैन सीन इन आइपोमिया, सेकंड आंसर चला जाता है, बड़ा ही सिंपल सा आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन, ए यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए सिंपल लीफ, बड़ी सिंपल सी कहानी है, कंपाउंड लीफ को हमने लीफ क्यों नहीं माना, बिकॉज ईच लीफ हैज ए
एक्सिलरी बड इन देयर एक्सिस, यहां पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है। और ये वाली कंडीशन, आप यदि आपके पास ये पिनेटली कंपाउंड लीफ है ये वाली, तो इसमें क्या होगा, इन लीफलेट्स जो होते हैं ना, ये पिन्यूल जो है, इनके बीच में ये वाली कंडीशन नहीं मिलनी, केवल यहां मिलनी। सो एक्सिलरी बड इज एब्सेंट इन एक्सिस ऑफ पिन्यूल, ये वाली बात है, इससे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ बड इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट, रॉन्ग हो गया। सेकेंड बोलता है एब्सेंस ऑफ बड इन एक्सिल ऑफ सिंपल लीफ, ये एब्सेंस नहीं प्रेजेंस होती है, तो प्रेजेंस ऑफ बड इन द एक्सिल ऑफ सिंपल लीफ हमारा थर्ड आंसर चला जाता है। बड़ा ही सिंपल सा आंसर है इसका। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्लेसेंटेशन इन प्रिमरोज एंड डायंथस, ये दो स्पेशल मतलब प्लांट है जिनका आपकी एनसीईआरटी जो है जिक्र करती है फ्री सेंट्रल के अंदर, इसमें क्या कंडीशन मिलनी है, थर्ड फ्री सेंटर डायरेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलोगस स्ट्रक्चर, मींस ओरिजन सिमिलर होना चाहिए और फंक्शन डिफर हो सकता है। तो ओरिजन सिमिलर मींस रूट है तो रूट रूट, या स्टेम है तो स्टेम स्टेम, एनालोगस का मतलब ओरिजन डिफर बट फंक्शन सेम। तो आप बात करिएगा पोटेटो एंड स्वीट पोटेटो, इसमें ये दोनों होमोलोगस नहीं हो सकते, बिकॉज इट इज स्टेम इट इज रूट, जिंजर इट इज रूट स्टेम एंड मैंगो जिंजर इज द रूट, टर्निप एंड स्वीट पोटेटो बोथ आर रूट्स। सो आंसर फिर हमारा कौन सा चला जाता है, थर्ड आंसर चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर स्टेबल एंड कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स, द अबव स्टेटमेंट इज यूजफुल। देखिए हम किसी भी प्लांट को क्लासिफाई करते हैं तो हम उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स लेते हैं, बिकॉज मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। आप लोग जानते हैं कि पानी अच्छा मिला मतलब वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है तो प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा, कम है तो प्लांट ग्रोथ कम करेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन में मोस्टली हम काम में रहते हैं, तो फर्स्ट आंसर चला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये तो वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। डोमिनेंस ऑफ एंजियोस्पर्म जो है ये तो प्लांट की नेचर पे डिपेंड करेगा, और मोर देन वन ये हो नहीं सकता, तो हमारा फर्स्ट आंसर चला जाता है। फिर 14, प्लांट्स दे पजेसेस लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल मोस्टली आपको मिलेगा किसमें, फेवेसिन। देखिए पी एंड ग्लोरी लिली फर्स्ट ही चला जाएगा, ग्लोरी लिली में तो लीफ का जो अपेक्स होता है ना ये वाला टेंड्रिलर होता है, और पी में क्या होता है, लीफ टेंड्रिल मिलता है। कुकुम्बर में एक्सिलरी बड, पंपकिन में भी ऐसा ही होता है, वाटरमेलन में भी ऐसा ही होता है, स्टेम में भी इस तरीके का होता है, इनमें पी इसमें स्टेम है और इसमें हमें लीफ पूछा है, सो फर्स्ट आंसर चला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रूट, दे कैन परफॉर्म इन फोटोसिंथेसिस, कर सकती है ना ट्रापा और टीनोस्पोरा, स्टोरिंग रिजर्व फूड ऑलवेज, ये रॉन्ग हो गया ऑलवेज की वजह से, सो ये वाला नहीं होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन होता है मोस्टली, वाटर एब्जॉर्प्शन रूट का जो है ना मेन फंक्शन होता है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये भी है, तो इसमें तो सेकेंड आंसर बच जाता है, तो हमारा आंसर दूसरा चला जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 16 नंबर, जिंजर इज एन अंडरग्राउंडेड स्टेम, इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रूट, बिकॉज स्टेम और रूट के सबसे बड़ी जो डिफरेंस है दोस्तों वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। सो जिंजर हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, थर्ड आंसर डायरेक्ट डेफिनेशन के बेस पे निकल जाता। फिर हमारे पास 17 नंबर आता, ग्राम सोयाबीन टोमेटो कैंडिडा ट्यूलिप बीन ब्रिंजल एलोय पोटेटो, हाउ मेनी प्लांट्स फ्लावर शो जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन अकर्स इन फैबेसी फैमिली अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। सो आपके पास 1, 2 फिर उसके बाद चला जाता है, ये सोलोनेसी का है, सॉरी क्रूसीफेरी का है, एक अलग से आपको एग्जाम्पल याद रखना होगा। फिर उसके बाद आ गया बीन, और उसके बाद बस इतने यही है, तो कितने हुए 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 थर्ड आंसर चला जाता है, 17 का आंसर थर्ड चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है
18. Match the following and choose the correct combination from the option given below. Cruciferi, Cruciferi में आपको क्या मिलना है? Stamen की position 2+4. Tetradynamus. इसके बाद आपके पास Liliaceae आती है. Liliaceae में 3+3 ये वाला आ जाता है. Solanaceae A5 ये आ जाता है. और Fabaceae में Corolla की position 1+2+2. ध्यान होगा आपको ये सबसे posterior largest, ये lateral और 2 anterior are fused. तो ये वाली condition आपको देखने को मिलती है. तो ये आंसर आप देखिएगा. A के साथ में आप जोड़ेंगे first, B के साथ जोड़ेंगे आप लोग fourth, और C के साथ आप जोड़ेंगे कौन सा? Solanaceae third, और F के Fabaceae के साथ, D के साथ जोड़ेंगे 2. तो first, B के साथ fourth, और C के साथ third, और इसके second answer चला जाता है. 18 में second answer चला जाता है. ये हो गया हमारा. Next, इसके बाद 19 नंबर. How many plants have opposite phyllotaxy? Opposite, अब इसने decussate और superimposed की बात नहीं की है, opposite बोला है. So ये वाला जो है इसमें मिलेगी alternate, इसमें world, और इसमें opposite हो सकती है. इसमें कैसी होती है? Alternate, इसमें opposite है. फिर आपके पास nerium, इसमें world है. Osimum में opposite है. Bombyx में जो है ना पिनेटली कंपाउंड है, और रोज में पिनेटली कंपाउंड है. ठीक है, ये पामेटली और ये पिनेट. सो आपका आंसर आ गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा. 19 का आंसर फर्स्ट. फिर इसके बाद नेक्स्ट, मैच द कॉलम एंड चूज करेक्ट ऑप्शन. एल्यूरॉन लेयर, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ओव्यूल, एंडोस्पर्म. एल्यूरॉन लेयर दोस्तों, इसमें एल्यूरॉन और एंडोस्पर्म आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है. तो ध्यान दीजिएगा, सी के साथ आप जोड़िएगा सीड, मतलब फोर्थ, आफ्टर डेवलपमेंट इट कन्वर्ट इनटू सीड. पार्थेनोकार्पी विदाउट फर्टिलाइजेशन फर्स्ट. अब आपके पास बचा एल्यूरॉन लेयर, डबल फर्टिलाइजेशन से भी डेवलप हो सकता है और न्यूट्रिशन भी हो सकता है. तो अपने को इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा. फर्स्ट में यदि हम लोगों ने सेकेंड ऑप्शन जोड़ा, ठीक है, तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी तो ये बी के साथ ये है, सी के साथ फोर्थ है, और डी के साथ थर्ड है. तो हमारा सेकंड आंसर ही चला जाता है. तो 20 में आंसर सेकंड. फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस फ्लोरल एक्सिस हैज लिमिटेड ग्रोथ. बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर, इट इज ऑल्सो करेक्ट. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. थर्ड आंसर आ जाए. नेक्स्ट आपके पास आता है, फ्लोरल एक्सिस इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इंटरनोड्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आईज. दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज कैपिटेट और कैपिटुलम में मिलता है. दरअसल कैपिटेट में क्या हो जाता है, इस तरीके से ये जो है ना हाईली रिड्यूस होता है, फ्लावर इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे ऐसे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है. और कैपिटुलम में कप लाइक हो जाता है, उसमें भी पता नहीं चलता. तो ये फर्स्ट आंसर चला जाता है इसका, ठीक है. अम्बेल में कुछ डिस्टेंस तक दिखाई दे सकता है, बट कंपाउंड अम्बेल पे तो मीनिंग नहीं निकलता इसका. और स्पैडिक्स में दिखता है, क्योंकि ये आपने उसमें देखा होगा बनाना में. सो आंसर फर्स्ट. 23 नंबर क्वेश्चन, परसिस्टेंट कैलिक्स इज फाउंड इन फ्रूट ऑफ. दरअसल परसिस्टेंट कैलिक्स जो है दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलोनेसी फैमिली. अरे भाई, सोलोनेसी कुल का जो है लाक्षणिक होता है, बट इसमें हमने सोलोनेसी तो कोई किसी में रखा नहीं है. तो आपको पहला दिया लेडी फिंगर, ये है कॉटन फैमिली का मेंबर. टोमेटो इसमें माना जा सकता है, लेकिन ये नहीं है. ये वाला सही है, पॉमग्रेनेट अनार में और अमरूद में लास्ट तक बने रहते हैं. ये स्टेटमेंट आपको याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ इसका. फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 23, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर एसोसिएट विद फैमिली लिलिएसी. लिलिएसी की बात कर रहा है, तो पेंटामेरस नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज मोनोकोट फैमिली. ट्राइकार्पेलरी ओवरी मान सकते हैं, कैप्सूल मान सकते हैं फ्रूट में, सीड एंडोस्पर्मिक मान सकते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन मान सकते हैं, सुपीरियर ओवरी मान सकते हैं. तो आपके पास हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ फाइव कैरेक्टर्स हैं. तो 24 आंसर नंबर जाएगा
सेकंड आंसर सेकंड। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट, टू रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर सेम फंक्शन, दोनों का सेम फंक्शन होना चाहिए। न्यूमेटोफोर ऑफ राइजोफोरा रेस्पिरेटरी है, फोटोसिंथेटिक रूट ऑफ टीनोस्पोरा एसिमिलेटरी है, स्टिल्ट रूट ऑफ मेज सपोर्टिंग है, स्टोरेज ऑफ रूट ऑफ स्वीट पोटेटो रिप्रोडक्टिव और स्टोरिंग है, प्रोप रूट ऑफ बेनियन ट्री सपोर्टिंग है। तो ये और ये सपोर्टिंग हो गई, तो कौन सा आ जाना चाहिए? थर्ड आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन मोनोकॉट लीव्स साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज डिफरेंट एक्सेप्ट मेन वेन, डिफरेंट थोड़ी सिमिलर होते हैं, मेन वेन को छोड़कर बाकी सब में सिमिलर होते हैं, सो इट इज रॉन्ग, इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर सेकंड बोलता है ये आपको, इसमें क्या पूछा, करेक्ट पूछा आपने को, मेनली टू टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स मेरिस्टेम आर इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ, करेक्ट है, एक कॉर्क कैम्बियम होती है और एक फेसिकुलर कैम्बियम होती है। इसके बाद है एलोंग विद सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम कैम्बियम आल्सो प्रोड्यूस पेरेन्काइमा, बिल्कुल है, ये जो मेडुलरी रेज बनेंगी ना रे इनिशियल से। फिर ये कहता है लेंटिकल्स आर ओवल शेप्ड ओपनिंग, ये ओवल की वजह से रोंग हो गया दोस्तों, लैंग शेप्ड होती है एनसीआरटी की लाइन है, सो ये रोंग हो गया। पेरेन्काइमा कैन बी ए पार्ट ऑफ पेरिडर्म, बिल्कुल होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है पेरेन्काइमेटस होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी एंड ई फर्स्ट ही आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द फ्लोरल फॉर्मूला टेल द कैरेक्टर ऑफ फ्लावर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट इंडिकेट बाय फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूले से आपको परसेंटेज या फिर ये वाला, तो सिमेट्री का पता चलता है, इसलिए ये तो करेक्ट है। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लावर, ये सी फाइव और ए फाइव पर आप बोलते हो, इसका मतलब कंपोनेंट्स का भी पता चलता है। और पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी सुपीरियर है कि नहीं है, ये जी को अंडरलाइन कर देते हो पता चलता है, बट प्लेसेंटेशन का फॉर्मूले में कोई रोल नहीं है। सो आंसर क्या आ जाएगा, 27 का फोर्थ आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, सीरियल एंड ग्रास फैमिली पजेसेस बोथ आर मोनोकोट्स, सो फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, बट क्या होगा, मोस्टली इसमें ट्राई कार्पेल की कंडीशन देखी जाती है, तो आप क्या लिखेंगे, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर एंड एंडोस्पर्मिक सीड नो, ट्राइमेरस फ्लावर एंड नॉन एंडोस्पर्मिक नो, मोस्टली मोनोकोट और ग्रासेस में एंडोस्पर्मिक होते हैं, फोर्थ आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। फिर आता है 29 नंबर क्वेश्चन, द फ्रूट इज चैम्बर्ड डेवलप्ड फ्रॉम इंफीरियर ओवरी एंड हैज सीड विद स्कुलेंट टेस्टा, सीड्स आर अरेंज्ड इन रो, ये वाली कंडीशन आपको किसमें मिलती है, पोमग्रेनेट में, अनार में देखी जाती है, तो अपने पास एक सिंपल सा है बेलोस्टा पोमग्रेनेट, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखना। लीव्स आर ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स बट इन सम प्लांट्स लीव्स आर नॉन ग्रीन एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, तो ये वाली कंडीशन आपको या तो एक्सट्रीम ज़ीरोफाइट्स में देखने को मिल सकती, तो आपके पास आया दीज आर प्रेजेंट इन एस्पेरेगस एंड कस्कुटा, ठीक है बिल्कुल सही है, एस्पेरेगस में लीव्स जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें क्लेडोड मिलता है, और कस्कुटा ये कैसा प्लांट है, पैरासिटिक है, इसलिए इसमें नहीं होगा, तो आपके पास ये भी करेक्ट है। कस्कुटा एंड कैपेरिस, इसमें कस्कुटा आ गया, कैपेरिस में शॉर्ट लिव्ड होती है, उसमें स्टेम जो होता है ना वो फोटोसिंथेटिक होता है, तो इसको भी माना जा सकता है, और ओपुंशिया और एस्पेरेगस दोनों में है, सो आप यदि इसको नहीं भी माने तो आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड दोनों हैं, तो आंसर आ जाता हमारा फोर्थ, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। वैसे कैपेरिस में स्टेम जो होता है ना वो फोटोसिंथेटिक होता है, बट कैपेरिस पजेसेस लीव्स, उसमें पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, कुछ ही टाइम के लिए आती हैं, इसलिए माना जा सकता है इसके अंदर, पर ये वाली कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं होती, इसलिए हम लोगों ने सेकंड को कंसीडर नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, सिट्रस एंड बोगेनविलिया थॉर्न होते हैं, बिकॉज थॉर्न आर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, याद होगा आपको शायद, तो ये करेक्ट है। ओपुंशिया स्पाइन, ये भी करेक्ट है। स्ट्रॉबेरी फूड स्टोरेज नहीं करता, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में
जो है ना, और स्टेम से रिलेटेड की बात करनी है अपने को, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। और लेथाइरस लीफ टेंड्रिल होती है, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉबेरी में तो फूड स्टोरेज फूड में होता है, फ्रूट में होता है, तो लीफ टेंड्रिल सही है ये। तो ये वाला आंसर आ जाना चाहिए, थर्ड आंसर इसका हो गया 31। देन 32, व्हेन प्लेसेंटा इज स्वोलन एंड इट पजेसेस ओव्यूल्स ऑन दिस स्ट्रक्चर, ओवरी इज डिवाइडेड इनटू चैम्बर्स, नंबर ऑफ चैम्बर आर इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल, दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन अकर्स इन विच प्लांट ग्रुप विद करेक्ट फैमिली। भाई ये बात कर रहा है, यहाँ इस पे स्पेशली आपको ध्यान देना, बाकी तो ये पैरा एक्सिलरी या एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात कर रहा है, सेंट्रल प्लेसेंटेशन की बात कर रहा है ये वाला। इसमें क्या हो गया, ये पार्ट हो गया और ये इस तरीके से ओवरी चैम्बर्ड है और ये ओव्यूल्स है, यहां से अराइज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आप ये कह सकते हो कि हाँ, आप ये कह सकते हो इसमें कि ये वाला जो है प्लेसेंटेशन कैसा है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। बट इसने ये कहा है कि एक्साइल प्लेसेंटेशन तो आपको किसमें, लेडी फिंगर में भी मिल जाएगा, कॉटन फैमिली में भी, आपको लिलियसी में भी मिल जाएगा, सोलनेसी में भी मिल जाएगा। बट इसमें इसके साथ में सोलन प्लेसेंटा इज सोलन बोला है, इसका मतलब पक्का ये सोलनेसी की बात कर रहा है, और सोलनेसी की बात कर रहा है तो आपके पास थर्ड आंसर चला जाता है विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अब 33, पेरिसेट टिश्यू इज प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस इन मोनोकोट लीफ। पेरिसेट टिश्यू मोनोकोट लीफ में हो, आएगा ही कहां से, सो इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये हो गया आपके पास रॉन्ग। सेकेंड नंबर बोलता है लोअर लेयर ऑफ मेसोफिल सेल इज कॉम्पैक्टली पैक्ड विद न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट इन डाइकोट लीफ। कॉम्पैक्टली पैक्ड कहां होती है, वो तो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बनाती है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। डाइकोट लीव्स हैव कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये भी रॉन्ग है, यानी ओपन नहीं है, क्लोज होते हैं। सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी, ये वाला नाम नेम आ जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास पोटेटो ट्यूबर कैन प्रोड्यूस। भाई पोटेटो का ये ट्यूबर है और यहां पर जो है ना आईज होती हैं, ये रूट और शूट दोनों की फॉर्मेशन कर सकता है, आई मीन लैटरल ब्रांचेस भी बना सकता है और साथ में क्या करता है, रूट भी ओरिजिनेट कर सकता है। तो ये कहता है लैटरल ब्रांचेस करेक्ट है, एडवेंटिशियस रूट बिकॉज रेडिकल तो यहां है नहीं, इसलिए ये भी करेक्ट है। सो आंसर चला जाता हमारा थर्ड, ये वाला। नेक्स्ट दोस्तों 35, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द लीफ इज ए लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम विच अराइज फ्रॉम नोड, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कहता है, ए टिपिकल लीफ इज कंसिस्ट ओनली, इसकी वजह से रॉन्ग हो गया क्योंकि बेस भी तो होता है, तो इसने कहा पेटियोल एंड लीफ लैमिना, ओनली थोड़ी होते हैं, लीफ बेस भी होता है, तो इसकी वजह से ये रॉन्ग है। स्टिप्यूल इज द आउटग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड, आउटग्रोथ थोड़ी है, एक्सिलरी बड की आउटग्रोथ थोड़ी है, वो तो बेस की होती है, सो ये भी रॉन्ग। तो हमारे पास आंसर कौन सा, 35 में फर्स्ट चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास दोस्तों 36 नंबर, प्रॉप रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, प्रॉप रूट एंड स्ट्रेट रूट मैकेनिकल सपोर्टिंग है, करेक्ट। इन एस्पेरेगस रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज, फेसिकुलेटेड रूट होती है, करेक्ट। न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन दोज प्लांट दे ग्रो इन सैंडी सॉइल, ये रॉन्ग हो गया, ये स्वैम्पी सॉइल होती है, सैंडी नहीं होती। ट्यूबरस रूट्स ऑफ स्वीट पोटेटो पजेसेस एडवेंटिशियस बड्स, ये करेक्ट है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए आपके पास इसमें, 3, सेकेंड आंसर चला जाता है, तो 36 का आंसर 2 करेक्ट। नाउ 37, स्टेम टेंटिल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम एक्सिलरी बड, दे आकार सी एक्सिलरी बड से, ये वाला नेचर है कुकुरबिटेसी फैमिली। इसमें स्वीट पी में और लेथाइरस में लीफ से, और इसमें टेंड्रिल होते नहीं, बचा कौन, वाटरमेलन, जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर। नाउ
अगला पॉइंट आता है दोस्तों इन क्राइसेंथेमम द लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंडेड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम एंड दे कम ऑब्लिकली टुवर्ड्स अपवर्ड एंड फॉर्म ए लीफी शूट दिस टाइप ऑफ स्टेम इज कॉल्ड शकर होता है डेफिनेशन है शकर की सिंपल सी कोई दिक्कत नहीं इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेंशियल पार्ट ऑफ लीफ एसेंशियल नहीं एसेसरी सो ये रॉन्ग हो गया Zygomorphic flower can be divided into two equal half in any plane. No, only median plane. Zygomorphic. First time. Second time नहीं. Wrong हो गया. Third कहता है Parthenocarpic fruit are not useful in pomegranate and betel nut. क्योंकि हम लोग इसमें seed use करते हैं. और यदि हम लोग जिस fruit में seed edible part होता है, उसमें यदि Parthenocarpic करवा देंगे तो edible part नहीं बचेगा. इसलिए ये correct है. और अगला कहता है रेडिकल बर्ड्स डेवलप्स ऑन रूट बिल्कुल करेक्ट है तो टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट 39 का आंसर हो गया आपका कौन सा थर्ड 40 देखिएगा हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव कंपोजिट फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम एन इनफ्लोरेसेंस ये आपके अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है दोस्तों मॉड्यूल से बात करते हैं फिग है पाइनएप्पल है और इसके बाद मलबरी ये तीन हो गए एक साइकोनस का है और एक जो है किसका है कैटकिन का ठीक है तो आंसर कितने हो गए 3 और इसका आंसर हो जाता है 4th नेक्स्ट आपके पास आता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाटर हाइसिंथ इज द एग्जांपल ऑफ रनर रनर का थोड़ी ऑफसेट का रॉन्ग हो गया इन पोटेटो बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम In potato, banana and ginger, the plantlets arise from the internodes. Internodes से थोड़ी होता है, node से होता है. The buds in Australian acacia, this becomes green and synthesized food. Australian acacia में ये थोड़ी करेगा. और Elstonia, leaves show world phyllotaxy. Correct हो गया. तो 41 का answer आपका क्या हो गया? 4. 42. In which of the following plant petal show modification of keel? ये आपको वैक्सिलरी एस्टिवेशन में देखने को मिलता है दोस्तों और ये वाला पार्ट जो है वो कील के नेम से जाना जाता है और इसके अंदर वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैबेसी तो फैबेसी का मेंबर इसमें आपके पास है इंडिगो फेरा फोर्थ आंसर आ जाएगा 43 Generally, roots play an important role in fixation and water absorption in plant, but it is not correct for. दोस्तों ये वाली condition जो है aquatic plants के लिए लागू होती है. Aquatic plants में root जो है उनका कोई significant role नहीं होता because general surface absorb water. So आप इसमें aquatic plant एक है second number पे पिस्टिया. Next आता है हमारे पास which of the following is correct combination of plant in which one is undergrounded food storing. स्टेम वाइल अदर इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेम टेंड्रिल फूड स्टोरिंग और स्टेम टेंड्रिल स्टेम टेंड्रिल कैरेक्टरिस्टिक है कुकुरबिटेसी का तो कुकुरबिटी का बिटा का मेंबर देखो एक तो और स्टोरिंग फूड देखो ये लीफ का है इसलिए ये नहीं जाएगा फिर उसके बाद आता है कुकुम्बर एंड जिंजर ये जिंजर बाद में दे दिया कुकुम्बर पहले दे दिया तो हमें पहले बताना है कॉम्बिनेशन इन विच प्लांट अंडरग्राउंडेड फूड स्टोरिंग तो कुकुम्बर फूड स्टोरिंग नहीं है इसलिए ये रॉन्ग हो गया इसकी वजह से इसमें जो है ना वो नहीं मिलता तो लास्ट बचा कोलोकेशिया एंड कुकुम्बर तो फोर्थ आंसर हो गया फिर 45 नंबर सेलेक्ट द रॉन्ग मैच इसमें क्या किया फाइबर सनम करेक्ट है स्पाइस चिल्ली करेक्ट है बेलाडोना मेडिसिन करेक्ट है और फोडर इंडिगो फेरा रॉन्ग है तो हमारा आंसर 4 चला जाता है बिकॉज इन करेक्ट पूछा है और इंडिगो फेरा डाई देता है नील आती मिलती है इससे ना कि फोडर है फिर दोस्तों नेक्स्ट आया हमारे पास 46 चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन सोयाबीन रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस बिल्कुल सही है फैबेसी का कैरेक्टरिस्टिक होता है ब्रिंजल कैटकिन रॉन्ग है ठीक है फिर ये कहता है ट्यूलिप अम्बेल ट्यूलिप में अम्बेल नहीं होता तो हमारे पास फर्स्ट आंसर चला जाता है तो 46 का आंसर हमारा चला जाता है फर्स्ट नाउ 47 व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल ओवरलैप वन अनादर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज इम्ब्रिकेट के नेम से जाना जाता है दोस्तों डेफिनेशन है ये क्वेश्चन
एग्जाम में कई बार आया है, इसलिए मैंने इसको आपको दिया। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। फिर इसके बाद हमारे पास आता है अंडरग्राउंडेड स्टेम्स ऑफ पोटेटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद एंड कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू प्रोपेगेट बाई एसेक्सुअल मेथड। बिल्कुल करेक्ट है। आप अंडरग्राउंडेड स्टेम जो होता है ना, वो पेरिनेशन को डिसाइड करता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पेरिनेशन मतलब लॉन्ग टाइम तक, चीरकालिकता से मतलब है लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बनाए रख सके, फूड भी स्टोर करता है। सो आंसर चला जाता है इसका फोर्थ, ये वाला करेक्ट हो गया। फिर आता है हमारे पास 49 सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स ऑफ टैप रूट आर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन। देखो दोस्तों, ये रूट है, इसमें ये और ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करेगी तो इधर से क्या होगा, रूट निकलती चली जाए, तो ये एक्रोपिटल मैनर में डेवलप होती है। बिल्कुल सही है। अगला बोलता है लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम द प्राइमरी रूट इज एक्सोजीनस इन ओरिजन ऑलवेज एंडोजीनस। सो ये रोंग हो गया, ऑलवेज एंडोजीनस, रूट का ओरिजन एंडोजीनस और ब्रांचेस का एक्सोजीनस। फिर कहता है प्राइमरी रूट इज ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, प्राइमरी रूट चाहे वो एडवेंटिशियस हो और चाहे जो है ना आपके पास कैसी हो, फाइब्रस हो, ये सीड अरे क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ, तो ये रेडिकल, ये प्राइमरी रूट है। रेडिकल ऑलवेज प्राइमरी रूट को इंडिकेट करता है। अब यदि ये एक्सिस बचा रह जाए तो आप टैप रूट बोल दोगे, अदरवाइज फाइब्रस या एडवेंटिशियस बोल दोगे। सो ये सही है। रूट हेयर्स आर मेंट फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, करेक्ट है। फाइब्रस रूट्स आर अराइज फ्रॉम हाइपोकोटाइल, ये भी करेक्ट है। सो एक को छोड़ दो, बाकी सारे करेक्ट है। तो आंसर कैसा आ जाएगा, सेकंड, 49 में आंसर आ जाएगा सेकंड। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आया आपके पास थॉर्न। देखिए थॉर्न एक तरह से, मैंने ये क्वेश्चन आपको स्पेशली इसीलिए दिया है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे एक्सिलरी वर्ड होती और एक्सिलरी वर्ड जो है वो थॉर्न में मॉडिफाई हो जाती। दरअसल थॉर्न जो है एक लेटरल ब्रांच है, इज अ मॉडिफाइड लेटरल ब्रांच। कुछ प्लांट में इसके ऊपर क्या हो जाता है, थॉर्न के ऊपर फ्लावर डेवलप हो जाता है बाद में जाता है, ठीक है। तो ये कहता है इट यूजली द मॉडिफिकेशन ऑफ टर्मिनल बड, ये तो रॉन्ग होगी, ये तो लेटरल बड का काम। इसने कहा लैक वेस्कुलर बंडल, मैंने कहा कि ये कई बार क्या करता है, मतलब है ना सॉरी, ये बड का जो एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है, और एक्सिलरी बड जो होती है वो लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस करती है, और ब्रांचेस में बाकी सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। सो ये कह रहा है ना लैक वेस्कुलर बंडल, ये भी रॉन्ग। नेवर बियर फ्लावर, कुछ में ये ऐसा होता है कि फ्लावर डेवलप हो जाता है, और कॉमनली अकर्स इन बोगेनविलिया एंड दुरांता, ये एग्जाम्पल है आपको याद रखने। तो बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर, तो आंसर आ जाएगा फोर। फिर आता है हमारे पास 51 बुलविल्स। बुलबिल्स इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव और फ्लोरल बड, गेट स्वॉलन बिकॉज ऑफ फूड एक्यूमुलेशन, गेट डीअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, फॉल ऑन सॉइल एंड गिव राइज टू ए न्यू प्लांट, ये करेक्ट है। बुलबिल का मेन फंक्शन यही होता है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि ये मॉडिफिकेशन तो इन्हीं का है, तो दरअसल ये वेजिटेटिव और फ्लोरल बड का मॉडिफिकेशन नहीं, ये एक सोलन पार्ट होता है, स्टेम का एक सोलन पार्ट होता है। हालांकि इसका ओरिजिन जो है वो बड से हो सकता है, बट सोलन पार्ट होता है। इसके लिए मोस्ट जो करेक्ट आंसर जाएगा वो थर्ड जाएगा। नाउ 52 मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, क्लेडोड और फाइलोक्लेड। देखिए क्लेडोड, मैन स्टेम एंड ब्रांचेज आर मॉडिफाइड इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पूरे स्टेम की बात कर रहा है, तो यहां पर ए इसको दे दो। फिर ये कहता है पजेसेस सेवरल नोड्स, मतलब कुछ ही की बात कर रहा है, सॉरी अनेक, तो आपके पास बी बी सी के हिस्से में आ जाएगा। फिर ये कहता है एस्पेरेगस एंड रस्कस, तो ये तो क्लेडोड के एग्जांपल। लिमिटेड ग्रोथ, ये भी क्लेडोड का एग्जांपल कैरेक्टर है। ओनली वन इंटरनोड, ये भी क्लेडोड का हो गया। और अनलिमिटेड ग्रोथ, ये किसके हिस्से में आ जाएगा, फाइलोक्लेड के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ गया इसका, बी आ गया, और ए किसके पास क्या हो गया, अनलिमिटेड ग्रोथ बोला है ना, तो एफ हो गया। और ओनली वन ब्रांच मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो ये जी इसके हिस्से में आ गया। कौन सा आ रहा है,
सी डी ई जी, ये आ गया ए बी एफ, फर्स्ट ही आ गया। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन, लीव ओरिजिनेट फ्रॉम, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड बेसिपिटल में नहीं होती, हमेशा आगे की तरफ ही तो डेवलप होंगी। तो 53 आंसर आएगा आपका, कौन सा, फर्स्ट, ये सही है। बेसिपिटल थोड़ी होगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम नो, लेटरल नो, तो 53 फर्स्ट आंसर। 54, फ्लावर इज प्रिफर्ड फॉर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बिकॉज, भाई फ्लावर के कैरेक्टर जो होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है ना, स्टेबल होते हैं, ठीक है, और साथ साथ में क्या होता है, कम होते हैं वेजिटेटिव के कंपेरेटिवली, इसलिए हम लोग उनको काम में लेते हैं। तो दो में से कोई सा भी दे, इट इज इजी टू डिसेक्ट, डिसेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ये कहता है शेप एंड कलर ऑफ फ्लावर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि येलो कलर के फ्लावर उसी फलां फैमिली में मिलेंगे, ये जरूरी नहीं होता। फिर ये कहता है फ्लोरल फीचर वेरी लेस देन वेजिटेटिव वन, ये करेक्ट है। रिप्रोडक्टिव एक्सिस फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्टिव एक्सिस थोड़ी बनाता है। तो थर्ड आंसर चला गया, एक अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड। फिर हमारे पास आता 55, फूड इज स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंडेड पार्ट ऑफ प्लांट इन मेंबर्स ऑफ, देखिए स्टोर, फूड स्टोर होता है क्रूसीफेरी में रेडिश और टर्निप, मतलब मूली और सलजम। फिर आप पोटेटो फैमिली में पोटेटो को काउंट कर लो, और लिलियसी के अंदर आप ऑनियन को काउंट कर लो। तो आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे, सोलेनेसी क्रूसीफेरी, सोलेनेसी फैबेसी, सोलेनेसी क्रूसीफेरी लिलियसी, थर्ड आ जाएगा। फैबेसी का कोई भी मेंबर फूड स्टोर नहीं करेगा, इसलिए तीन में फैबेसी आपके पास, इसलिए छोड़ दीजिएगा। फैबेसी में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट हो सकती हैं, बट फूड स्टोर नहीं होगा। 56, ऑब्लिकली जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर इन सोलेनेसी इज ड्यू टू, ऑब्लिकली जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर इन सोलेनेसी इज ड्यू टू, दोस्तों यहां पे जाइगोमॉर्फिक की जगह एक्टिनो आएगा, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगो नहीं होती उसकी, एक्टिनोमॉर्फिक होती है, और ये किसकी वजह से होती है, गाइनोशियम की वजह से होती है। तो थर्ड आंसर चला जाता है, 56 में थर्ड आंसर चला जाता है, क्योंकि ऑब्लिक होता है उसका ये वाला पार्ट जो होता है ना ओवरी, और ऑब्लिकली एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है, उधर हमने हिंदी में ठीक लिखा, इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ हो गई, तो इसको ठीक। नेक्स्ट 57, मैच द फॉलोइंग, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, फाइलोटैक्सी एग्जांपल, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी मिलेगी आपको किसमें, सीडीएम में, मतलब अमरूद गुआवा, अपोजिट सुपरइम्पोज्ड, अरे सॉरी 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 सॉरी, अल्टरनेट मिलनी है आपको किसके अंदर, हिबिस्कस में, आई मीन चाइना रोज का नेम है, चाइना रोज, इसके अंदर मिलेगी आपको कौन सी, अल्टरनेट, तो सेकंड इसके साथ आ जाएगी। अपोजिट सुपरपोज्ड ये गुआवा में मिलेगी, ये गुआवा का नेम। फिर इसके बाद आता है अपोजिट डिक्यूसेट, ये कैलोट्रॉपिस में डायरेक्ट है आपके पास, थर्ड आ जाएगा। और वर्ल्ड ये मिलेगी आपको किसके अंदर, एल्स्टोनिया में, आपको ये काम में नहीं लेना किसी में, क्योंकि इसमें तो पामेटली कंपाउंड होती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ फर्स्ट ही आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट 57 के बाद 58, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ए फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, हो सकती। फिर ये कहता था अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, करेक्ट है। पैटर्न एंड सेपल्स आर मॉडिफाइड लीफ, करेक्ट है। सनफ्लावर इज ए सॉलिटरी फ्लावर बट नॉट एन इनफ्लोरेसेंस, ये रॉन्ग, क्योंकि कैपेटुलम होता है और कैपेटुलम जो है इज द इनफ्लोरेसेंस, नॉट ए सिंगल फ्लावर। कंपोजिटी नेम इसका इसलिए रखा है कि इसका इनफ्लोरेसेंस कंपोजिट हो जाता है। तो हमारे पास आंसर चला जाता है फोर्थ। 59, विद रेस्पेक्ट टू कंपाउंड लीफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कंपाउंड लीफ की बात करा, सिल्क कॉटन हैज पामेटली कंपाउंड लीफ, करेक्ट है। सेकंड कहता है इन पिनेटली कंपाउंड लीफ रैकिस इज प्रेजेंट, करेक्ट है। पामेटली कंपाउंड लीफ रैकिस,
पामेटली में रैकिस नहीं होता, बिकॉज ये रैकिस जो होता है ना वो मिड रिब को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें क्या हो गया, डिवीजन इस तरीके से हो गया, पेटियोल यहां तक हो गया, तो इसमें रैकिस नहीं होता, इसलिए थर्ड आंसर चला जाएगा, लास्ट वाला करेक्ट है। फिर 60 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक डायएडेल्फस कंडीशन ऑफ स्टैमन। डायएडेल्फस कंडीशन किसमें प्रेजेंट होती है, तो इसके अंदर आपको फेवेसी का मेंबर देखना, सॉरी लैक बोला ना, एबसेंट होती है, ठीक है, तो इसमें भी डायएडेल्फस, इसमें भी डायएडेल्फस और इसमें भी डायएडेल्फस, बिकॉज ऑल थ्री आर मेंबर ऑफ फेवेसी, तो हमारे पास आंसर चला जाता है सोलेनम, सेकंड आंसर आ जाएगा 60 का, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, इन सीड्स ऑफ सीरियल लाइक मेज। भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मोनोपोड्स में, मोस्टली सीरियल फैमिली में क्या हो जाता है, फ्रूट वॉल्स और सीड कोट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और आप उसको कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट बोलते हैं। तो क्या बोला, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, करेक्ट है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड, करेक्ट है। स्कूटेलम एंड एल्यूरोन लेयर आर प्रेजेंट, तो फोर्थ आंसर चला जाता है। 62, आइडेंटिफाई द फैमिली विद द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, लीव्स हैविंग अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इसके बेस में हमें किसी भी फैमिली का पता नहीं चलेगा, क्योंकि किसी में भी हो सकता है। सेकंड नंबर बोलता है फाइव एपिपेटलस स्टेमन, फाइव एपिपेटलस स्टेमन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलानेस, तो सोलानेसी में ये वाली कंडीशन भी होती है, ये भी होती है। फिर इसके बाद बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ये भी करेक्ट है, बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है, करेक्ट है। फ्रूट्स आर बेरी और कैप्सूल, 100% सोलानेसी, तो फर्स्ट चला जाएगा, सीड्स आर एंडोस्पर्म। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों ये वाला फ्लोरल फार्मूला जो फेवेसी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कहता है कि आइडेंटिफाई द प्लांट्स विच पजेसेस द अबव फ्लोरल फार्मूला। ये फेवेसी का मेंबर है, और फेवेसी के मेंबर कौन कौन है, ल्यूपिन और पाइसम फर्स्ट है, सोलेनम नहीं आएगा, लिलियम नहीं आएगा, ब्रेसिका, तो फर्स्ट आंसर डायरेक्ट। 64, एम्ब्रियोनल एक्सिस टिग्लम कहलाता है, नेम है ये, आपको टर्म है याद रखना। 65, पार्किंसोनिया एंड ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, इसमें क्या होता है, पेटियोल जो है ना वो इस तरीके से लीफ लाइक हो जाता है, और इसकी लीव्स जो होती है ना वो इस तरीके की शॉर्ट लिव्ड होती है, ये नीचे गिर जाती है, ये फोटोसिंथेटिक होता है ये वाला पार्ट, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फिलोड, फिलोड इज, तो सेकेंड आंसर आ जाता है फिलोड। फिर नेक्स्ट आता है 66 में ए अल्टरनेट ए लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड विद ईच नोड बियरिंग ए रोजेट ऑफ लीव्स एंड ए टफ्ट ऑफ रूट। ये ऑफसेट का कैरेक्टरिस्टिक है, यहां से लीफ का ऐसे इस तरीके से ग्रुप डेवलप हो जाता है, और यहां से रूट का इस तरीके से, ये एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेगा, और एक्वेटिक प्लांट्स में भी कौन से वे क्या होता है, ऑफसेट, और ऑफसेट का एग्जाम्पल है पिस्टी एंड ई कॉर्निया, तो फर्स्ट आंसर चला जाता है आपका। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एपिफिटिक रूट ऑफ वेंडा हैज वेल डेवलप्ड रूट कैप एंड रूट हेयर। याद रखिएगा एक्वेटिक प्लांट में और एपिफाइट्स में रूट कैप और रूट हेयर का कोई रोल नहीं होता, इसलिए वो एबसेंट होते हैं, तो आपके पास ये वाला रॉन्ग है, वेंडा इज द एपिफिटिक प्लांट, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। टीनोस्पोरा एंड ट्रापा पजेसेस असिमिलेटरी रूट, करेक्ट है। कस्कुटा इज ए सिम्बायोटिक प्लांट, पैरासिटिक होता है। सैक्रम एंड जियामेज पजेसेस प्रॉप रूट, नहीं स्ट्रीट रूट, सो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर है ए इन फ्यू प्लांट्स द लेटरल द लीफ लेमिना फॉल ऑफ एंड पेटियोल मॉडिफाइड टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अभी अभी हमारी बात हुई थी उसी की बात कर रहा है ये, और ये पार्किंसोनिया में देखा जा सकता है फिलोड। 69 की बात करें हम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट, थॉर्न में होगा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 70 नंबर, गार्लिक एलोय ऑनियन रेडिश टर्निप पोटेटो स्वीट पोटेटो जमीकंद इन हाउ मेनी प्लांट्स लीव्स स्टोर द फूड। तो गार्लिक में होगा, एलोय में होगा, ऑनियन में होगा, रेडिश में रूट होती है, टर्निप में रूट है, पोटेटो में स्टेम है, स्वीट पोटेटो में रूट है, जमीकंद में भी ऐसा ही है, तो आपके पास बच गए 3, तो आंसर आ जाएगा सेकेंड। 71, ट्यूलिप रेडिश चिल्ली ग्लाइसिन पिटूनिया एलोय पोटेटो एंड कॉटन अबाउ प्लांट्स बिलोंग्स टू हाउ मेनी फैमिली। ये वाला ट्यूलिप जो है
सोलोनेसी का है, चिल्ली सोलोनेसी, पिटूनिया सोलोनेसी, पोटेटो सोलोनेसी। तो एक तो सोलोनेसी के हो गए फर्स्ट, तो सेकंड फर्स्ट तो है सोलोनेसी। फिर रेडिश हो गया आपके पास क्रूसीफेरी, फिर आपके पास ग्लाइसिन, ये हो गया आपके पास फेबेसी, फिर आपके पास आ गया एलोई लिलिएसी, ये आ गई लिलिएसी, एंड कॉटन मालवेसी। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसमें 5 फर्स्ट दे रखा है, तो 71 में फर्स्ट आंसर आ जाता है। 72, इन फेबेसी फैमिली लीव्स आर, कंपाउंड होती है और अल्टरनेट होती है, थर्ड आंसर आपकी एनसीईआरटी की लाइन। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड स्टेमन अटैच्ड विद पेरिएंथ एपिफिलस, करेक्ट है। स्टेमन अटैच्ड विद कोरोला एपिपेटलस, करेक्ट है। स्टेमन आर फ्यूज्ड इन होल लेंथ, होल लेंथ में बोलते हैं तो उसको सिनेंड्रस बोलते हैं, और ओनली एंथर लूप, तो ये दोनों रोंग हो गए, उल्टे हो गए। यदि इसको ऊपर और इसको नीचे रख देते तो करेक्ट हो जाते, तो हमारे पास आंसर आ जाता फर्स्ट ए एंड बी। तो 73 का आंसर है ए एंड बी। और अच्छा, रोंग पूछा, मिसमैच्ड पूछा है, तो थर्ड आंसर आएगा ये वाला, ना कि ये नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास इसका आंसर। फिर नेक्स्ट 74, फ्लावर्स दे पजेसेस ओनली गाइनोशियम, पिस्टिलेट होते हैं, डेफिनेशन। 75, करेक्ट स्टेटमेंट्स आर एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट, बिल्कुल सही है, किसी में भी प्रेजेंट हो सकती है एडवेंटिशियस रूट, जरूरी नहीं है कि डाइकोट में ही हो, जरूरी नहीं है कि मोनोकोट में हो, सो इट इज करेक्ट। रिप्रोडक्टिव रूट्स आर प्रेजेंट इन स्वीट पोटेटो, बिल्कुल, दे पजेसेस एडवेंटिशियस बड, इनके अंदर क्या होता है, अपस्थानी कलिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए हो सकता है। फिर ये कहता है टर्निप एंड साल्विया पजेसेस डाइडाइनेमस टाइप ऑफ स्टेमन, ये भी करेक्ट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना आपको। और पामेट्री कंपाउंड लीफ अकर्स इन एल्स्टोनिया, इसमें तो वर्ल्ड होती है, रॉन्ग हो गया, तो ए डी रॉन्ग है और बी सी करेक्ट है, इसने करेक्ट पूछे और ये करेक्ट है, तो सेकंड आंसर चला जाता, बिल्कुल सही सेकंड आंसर आएगा इसका। 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, ये देखो, ये फीमेल, ये फीमेल, ये फीमेल, बट ये मेल, सो आंसर आ जाएगा 4। 77, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोर देन वन रैकिस आर प्रेजेंट इन सेम लीफ, दोस्तों ये पिनेटली कंपाउंड लीफ है आपके पास इस तरीके से, और ये लीफ लेमिना, टेमेरिंड में क्या होता है, पेरीपिनेट होती है, ये वाली सिंगल रैकिस, बबूल जो होता है ना उसमें 2 रैकिस होती हैं, ऐसे ये वाली एक रैकिस हो गई और एक ये वाली रैकिस हो गई, तो इस तरीके से आपको 2 मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन मोरिंगा कैसा होता है, ट्राइपिनेट होता है, इसलिए मोरिंगा के अंदर ये वाली कंडीशन मिल जाती, ये सारी यूनिपिनेट है, एक ही मिलेगी। 78, पॉलीएडेल्फस टर्म यूज्ड फॉर एडेल्फस, स्टेमन के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो एंड्रोसियम आ जाएगा। 79, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन अकर्स इन ग्राम, ये फेबेसी का मेंबर है, मार्जिनल मिलेगी। 80, स्टडी द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन साइमोज इनफ्लोरेसेंस एपिपेटलस सोलेनम, ठीक है, करेक्ट है। होमोक्लेमाइडस पोलियंड्रस, रॉन्ग हो गया। एक्साइल प्लेसेंटेशन रेडिकल लीव्स स्माइलेक्स, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक डायएडेल्फस ग्लाइसिन, करेक्ट है, तो एक को छोड़ दो, बाकी 3 करेक्ट है। तो स्टडी द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, आपके पास आ जाएगा 80 का, एक ये वाली कंडीशन है, जाइगोमॉर्फिक डायएडेल्फस ग्लाइसिन, ये करेक्ट है, रेडिकल लीव्स एक्साइल प्लेसेंटेशन स्माइलेक्स, उसी में चला जाता है, लेकिन स्माइलेक्स में लीव्स जो होती हैं वो रेडिकल नहीं होती, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आना चाहिए, थर्ड आंसर आना चाहिए दोस्तों इसका 80 का, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, यहाँ तक तो सही है, बट ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ओनियन होता तो सही हो जाता। स्माइलेक्स की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एरियल होती हैं, ना कि रेडिकल, सॉरी वो पोलाइन होती हैं, ना कि जो है ना रेडिकल, इसलिए। 81,
प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन अटैच्ड टू द प्रोक्सिमल एंड है ना, तो थैलेमस और पेटल से अटैच होगा। एग्जैक्ट एंड नीट का आया हुआ क्वेश्चन, याद भी रखना आप। फिर हमारे पास 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। टेंडिल ऑफ कुकुम्बर स्टेम मॉडिफिकेशन, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपुंसिया स्टेम मॉडिफिकेशन, थॉर्न ऑफ सिट्रस मॉडिफिकेशन, ये लीफ का है। सो ये आंसर हो गया हमारा, फोर्थ आंसर हो गया 82। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑर्गेनिक फूड मूव अपवर्डली इन फ्लोएम ओनली। रॉन्ग हो गया, ओनली अपवर्डली। ऑर्गेनिक फूड मूव डाउनवर्डली एंड अपवर्डली इन फ्लोएम, ये सही है। ऑर्गेनिक फूड मूव डाउनवर्डली अपवर्डली इन जाइलम, ये रॉन्ग है। तो सेकेंड आंसर आपका 84, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट। प्रोटोजाइलम की पोजीशन देखनी होगी आपको, एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन देखनी। 85, हार्डवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड इन सब में, स्ट्रक्चर ही तो सिमिलर हो सकती है बट फंक्शन और कंपोजिशन अलग होगा। इससे सैपवुड में टैनिन, गम, रेजिन जैसे कंपोनेंट्स नहीं होंगे, हार्डवुड में होंगे। फिर हमारा 86, When a flower is cut in its median plane and it divides in two equal half, अब आगे की कोई बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्लावर सिमेट्रिकल है। सेकेंड टाइम में यदि हम उसको कट करें वो अनइक्वल हाफ में हो तो जाइगोमॉर्फिक और इक्वल में हो तो एक्टिनो। तो इसलिए हमें यहाँ पे केवल एक बात का पता चल रहा है, मे बी एक्टिनो और मे बी जाइगो, बट यहाँ पर तो एक ही कट से पता चला, तो सिमेट्री ऑफ फ्लावर का पता चल रहा है कि फ्लावर इज ए सिमेट्रिकल। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास 87 में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज एपोकार्पस ओवरी। एपोकार्पस है ना, मतलब अलग अलग कंडीशन। पीच और प्लम में तो सिंकार्पस होती है, कैलोट्रोपिस में एपोकार्पस होती है। 87, 88, व्हेन पेटल्स ऑफ फ्लावर आर डिफर इन शेप एंड साइज, शेप और साइज में डिफरेंट होते हैं तो इरेगुलर बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है 89, पेंटाकार्पेलरी ओवरी एपिपेटलस स्टेमन मोनोअडेल्फस कंटेन एक्साइल प्लेसेंटेशन एंड ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। ये मस्टर मतलब कॉटन फैमिली का कैरेक्टर है। कॉटन में मोनोअडेल्फस होते हैं सारे एक जगह, लेडी फिंगर कॉटन, ठीक है, चाइना रूज, उसके अंदर। तो आंसर सेकंड चला जाता है। 90, ये वाला फार्मूला जो है ये रिप्रेजेंट करता है सोलेनेसी को। तो ये कहता है अबव फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला इज करेक्ट फॉर हाउ मेनी प्लांट्स विच आर लिस्टेड बिलो। तो आपके पास एक तो आ गया पिटूनिया, एक आ गया आपके पास बेलाडोना, एक आ गया पोटैटो चिल्ली और विदानिया सोमनीफेरम। तो टोटल कितने हो गए, 5। आंसर सेकंड चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है 91, द मेन फंक्शन ऑफ हाइपोडर्मिस इज, हाइपोडर्मिस मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ये हार्डनेस इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि मोनोकोट में हार्डनेस देता है बट डाइकोट में ये क्या करता है, कोलेनकाइमेटस, इसलिए क्या करेगा वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी देगा, सो मैकेनिकल सपोर्ट। 92, एनुअल रिंग्स आर अकर्स ड्यू टू डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। एक बार क्या होगा, विंटर सीजन में जो है मोर एक्टिव, सॉरी लेस एक्टिव, और स्प्रिंग सीजन में मोर एक्टिव, तो क्या बनेंगी, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, उसकी वजह से। ये जाइलम फ्लोएम की वजह से थोड़ी होता है, ये तो हमेशा ही बनेंगी। फिर 93, इन रूट मेरिस्टेम हैज सब एपिकल पोजीशन ड्यू टू, या तो आप रूट कैप की वजह से मानेंगे या फिर क्वेशेंट सेंटर की वजह से, इसमें रूट कैप हमने दिया नहीं है इसलिए फर्स्ट आंसर चला जाए। 94, इन डाइकोट रूट वेस्कुलर बंडल पजेसेस प्रोटोजाइलम इनसाइड वाइल मेटाजाइलम आउटसाइड। ये कह रहा है डाइकोट रूट, और ऐसी कंडीशन डाइकोट रूट के अंदर होती है क्या कि प्रोटोजाइलम इनसाइड और मेटाजाइलम आउटसाइड, तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 95, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू मोनोकोट लीफ, पेलिसेड पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर साइड। मोनोकोट के लिए बात कर रहे हैं तो मोनोकोट में पेलिसेड जो है ना प्रेजेंट ही नहीं होता, तो रॉन्ग हो गया।
वेस्कुलर बंडल्स आर आइदर ओपन और क्लोज्ड, ये वाली बात कहां से आ गई, ओपन ऑलवेज क्लोज्ड होते हैं। फिर इसके बाद है बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, करेक्ट है। स्केलेनकाइमा इसकी लीफ में कहां से आएगा, इसलिए ये रॉन्ग है, तो थर्ड आंसर आ गया। 96, हाउ मेनी आर ट्रू फॉर हार्डवुड, डार्क कलर, करेक्ट है। नॉन कंडक्टिंग, करेक्ट है, सॉफ्ट नहीं हो सकती। वेस्कुलर एलिमेंट्स विद टैनिन एंड रेजिन, करेक्ट है। और एल्बरनम हार्डवुड के लिए नहीं यूज करते, सैपवुड के लिए, सॉरी उसके लिए करते हैं, विंटरवुड के लिए, सॉरी एल्बरनम तो सैपवुड के लिए, इसके लिए तो ड्यूरामन वर्ड यूज करते हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, मैकेनिकल सपोर्ट देगी, प्रेजेंस ऑफ टाइलोसेस होगी। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए, थर्ड आंसर आ जाएगा। तो 96 का आंसर आएगा आपके पास थर्ड। फिर हमारे पास 96 के बाद 97, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हीलिंग ऑफ डैमेज टिश्यू इज डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। नहीं, ये तो वाउंड कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। फिर ये कहता है अर्ली वुड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स, ये करेक्ट है। फिर ये कहता है प्रोकैम्बियम कैन प्रोड्यूस बोथ प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, करेक्ट है। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट, ये भी करेक्ट है। तो आंसर चला जाता है हमारा फर्स्ट। फिर नेक्स्ट आता है 98, प्रेजेंस ऑफ कंजक्टिव टिश्यू टू फॉर वैस्कुलर बंडल, सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट ऑफ जाइलम, सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट ऑफ जाइलम तो रूट का कैरेक्टरिस्टिक है और कंजक्टिव टिश्यू रूट का कैरेक्टरिस्टिक है, 2 to 4 डाइकोट रूट का है, तो यहाँ पे डाइकोट रूट आ जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्टोमेटा, स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, करेक्ट है। गार्ड सेल्स पजेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट है। गार्ड सेल्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडरी, ये रॉन्ग है, क्योंकि कुछ एक के अंदर सब्सिडरी नहीं मिलती। फिर हमारे पास आता है थिक इनर वॉल एंड रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोजिक फाइबर, ये भी करेक्ट है। तो आंसर चला जाता है थर्ड। एंड नाउ 100 नंबर देखिएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज आर अराइज फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम, प्राइमरी ऑलवेज एपिकल मेरिस्टेम। फिर आता है दोस्तों 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल का फंक्शन लोडिंग करवाता है, एक्टिव लोडिंग, फोर्थ आंसर चला जाएगा। एपिकल मेरिस्टेम लेफ्ट बिहाइंड सम सेल्स दे आर हेल्पफुल इन, ये स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी का, ये कहता है कि एपिकल मेरिस्टेम लेफ्ट बिहाइंड सम सेल्स दीज आर इन मतलब आकर्स इन एक्सिल ऑफ लीफ एंड फॉर्म एक्सिलरी बड, तो रीजनरेशन ग्रोथ इन हाइट सेकेंडरी ग्रोथ, एपिकल मेरिस्टेम लेफ्ट बिहाइंड सम सेल्स दे आर हेल्पफुल इन रीजनरेशन, मान सकते हो इसके अंदर हमारे पास ये आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मेडुलरी रेज हेल्प इन लेटरल ट्रांसलोकेशन, सही है। एरेंकाइमा डेवलप्स इन प्लेंटी इन हाइड्रोफाइट्स, करेक्ट है। जाइलम ट्रांसलोकेट ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक, इसकी वजह से गलत हो गया, मैनली और लगा दिया आपने, कुछ अमाउंट हो सकता है ये नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में ले जा सकता है, बट मैनली नहीं होता, मैनली ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मूव थ्रू फ्लोएम, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, तो ये आंसर आ गया इसका, और बाई डायरेक्शनल मोमेंट फ्लोएम में होता ही है। 104, व्हेन फ्लोएम सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ जाइलम एंड कैम्बियम सेपरेट द जाइलम एंड फ्लोएम, दिस टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स अकर सीन। फ्लोएम सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ जाइलम एंड कैम्बियम सेपरेट, मतलब ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल की बात कर रहा है, और ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल आपको मिलेंगे स्टेम में, और वो भी डाइकोट के, तो थर्ड आंसर चला जाएगा। 105, ए टिश्यू विच फिल द स्पेस बिटवीन वैस्कुलर टिश्यू एंड डर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस ये वाला पार्ट है और ये वैस्कुलर बंडल है, इनके बीच वाले इस टिश्यू के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ग्राउंड टिश्यू, तो आंसर आ जाएगा आपके पास ग्राउंड टिश्यू थर्ड। 05 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्राइमरी वेसल्स एंड ट्रैकेट्स हैव स्पाइरल और एनुलर लिग्निफिकेशन, करेक्ट है। आप प्राइमरी वेसल्स को इसी बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी वेसल्स एंड ट्रैकेट्स आर मोर एफिशिएंट इन कंडक्शन, ये रॉन्ग हो गया आपके पास, क्योंकि प्राइमरी के कंपैरेटिवली सेकेंडरी जो है दे आर मोर मतलब ना एफिशिएंट इन वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, सो फर्स्ट आंसर हो गया, ए इज करेक्ट एंड बी इज wrong।
107 देखिएगा, विच स्ट्रक्चर अकर्स इन ओनली रूट कैलिप्रोजन, क्योंकि ये रूट कैप की फॉर्मेशन करेगा। 108, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मेड अप ऑफ प्योर सेल्यूलोज। भैया आपको प्योर सेल्यूलोज ऑब्टेन करना हो तो आप ना कॉटन को यूज में करेंगे, कॉटन फाइबर्स आर सीड कोट आउटग्रोथ और उसमें केवल सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, सेल एब्सेंट होती है, उसको हम रियल फाइबर भी नहीं मानते, तो सेकंड आंसर चला जाता है। 109, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट जाइलम इज डेवलप्ड इन सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल है ना मैनर, सॉरी इसमें अपने इसको कैसे लगा दिया, सेंट्रीफ्यूगल मैनर मतलब ये स्टेम की बात कर रहा है, उसमें प्रोटोजाइलम सेंटर में और मेटाजाइलम इधर, तो स्टेम देखिएगा कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, तो 109 आंसर आएगा फर्स्ट। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 10, ई न्यूक्लिएटेड सेल ट्रांसफर सेप्टा थिक सेकेंडरी वॉल बॉर्डर पिट पोर्स ऑन लेटरल वॉल टेपर्ड एंड हाउ मेनी करेक्ट फॉर वेसल, वेसल के लिए ये करेक्ट है, ट्रांसफर सेप्टा नहीं होता, थिक सेकेंडरी वॉल होती है, बॉर्डर्ड पिट ये नहीं मिलते, पोर्स ऑन लेटरल वॉल मिलेंगे, टेपर्ड एंड मिलेंगे, तो 1, 2, 3 और 4 करेक्टर्स हैं, सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो ये था उसका 10। हाँ तो अपना क्वेश्चन नंबर 111, इन मोनोकोट स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू देयर अरेंजमेंट इज, तो दोस्तों याद होगा आपको शायद इस चीज का कि मोनोकोट जो स्टेम होता है उसमें वेस्कुलर बंडल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसमें लार्ज जो होते हैं दे आर टुवर्ड्स सेंटर एंड स्मॉल आर टुवर्ड्स पेरिफेरी, तो हमारा फर्स्ट आंसर चला जाता है इसमें, तो कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 112, मतलब 112, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी टिश्यू आकार सीन टिश्यूज आर, एक्स्ट्रा स्टीलर मतलब एंडोडर्म के आउटसाइड, ये एंडोडर्म है, इसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम है, ये वेस्कुलर कैम्बियम, इसने जो टिश्यूज बनाए वो तो थे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेडुलरी रेज, उसके बाद बाहर का जो पार्ट होता है जो कोर कैम्बियम बनाएगा तो वो वाले कौन कौन से हो जाने, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क एंड कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू, ये आ जाएगा, फ्लोएम छोड़ दीजिए, हार्डवुड छोड़ दीजिए, इसके अंदर कॉर्क, बार्क एंड लेंटिकल, ये टिश्यू नहीं है ये स्ट्रक्चर है, तो टिश्यू तो ये वाला हुआ ना सेकंड, तो आंसर क्या कौन सा चला जाता है हमारा सेकंड। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है 113, पिटूनिया एलोय अगेव लिली ल्यूबेन स्वीटी एस्पेरिगस बेलाडोना चिल्ली ग्लोरी लिली, हाउ मेनी प्लांट्स आर यूज एज ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल में पिटूनिया सोलोनेसी का, लिली लिलियसी का, ल्यूपिन एंड स्वीट पी ये फैबेसी के, और उसके बाद आपके पास ग्लोरी लिली ये लिलियसी का, तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4 और 5, फोर्थ आंसर चला जाता है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका फोर्थ। नाउ 14, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज इन्वॉल्व्ड इन, इंटरकैलरी मोनोकोट स्टेम में और जो नोड्स होती हैं इनके पास जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है इट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ स्टेम, तो सेकेंडरी ग्रोथ, एपिकल ग्रोथ, इलोंगेशन ऑफ पेटियोल, स्टेम इलोंगेशन इन डाइकोट, डाइकोट दिया है इसलिए थर्ड चला जाता है, इलोंगेशन ऑफ पेटियोल, पेटियोल की इलोंगेशन जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से मानी जाती है। फिर हमारे पास आता है 15, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव थिन सेल वॉल लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस एंड डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल, डेवलप्ड नहीं होते, लेस डेवलप्ड होते हैं, थिक सेल वॉल ये रॉन्ग हो गया थिक की वजह से, थिन सेल वॉल इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट एंड लेस डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल, थर्ड आंसर चला जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा इट मीन्स ये फेसिकुलाई के बीच वाली, इस वाली की बात है, तो ये कैसी होती है प्राइमरी इन ओरिजन, तो क्या हो जाएगा इट इज सेकेंडरी इन नेचर, रॉन्ग, इट डेवलप्स फ्रॉम प्रोकैम्बियम, इट सिचुएटेड बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल, टू वैस्कुलर बंडल के बीच नहीं होती, और इट अकर्स ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ओनली, तो आंसर सेकेंड चला जाता है, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोकैम्बियम।
फिर हमारा 16, 17 नंबर, इन सीव एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पी प्रोटीन। दोस्तों पी प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ सीव सेल, ये प्रोटीन विच अकर्स इन सीव सेल एंड इट सील द डैमेज्ड पार्ट ऑफ सीव ट्यूब, तो इसलिए क्या होगी, हीलिंग होगी इससे, तो सीलिंग मैकेनिज्म ऑफ वाउंडिंग, ये सेकंड आंसर चला जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 17 के बाद 18, फॉर वैस्कुलर प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्रोटोफ्लोएम कंसिस्ट ऑफ ब्रॉडर सीव सेल, प्रोटो में चाहे वो मेटा प्रोटोजाइलम हो चाहे प्रोटोफ्लोएम हो, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर नैरोवर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोटोफ्लोएम कंसिस्ट ऑफ ब्रॉडर सीव सेल, रॉन्ग है, इट एक्सार्क कंडीशन, इन एक्सार्क कंडीशन प्रोटोजाइलम सिचुएटेड टुवर्ड्स पिथ, ये तो एंडार्क कंडीशन आ गई, मेटाफ्लोएम इज प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, रॉन्ग हो गया, इन प्रोटोजाइलम लिग्निफिकेशन बिगिंस बिफोर द कॉम्प्लीटेशन ऑफ इलोंगेशन, यही हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियस होते हैं, इसलिए क्या होता है इलोंगेशन के साथ साथ डिपोजिशन भी होता चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार सेल इलोंगेट होगी उसके बाद उसका डिपोजिशन होगा, साथ साथ चलता है, इसलिए फोर्थ आंसर चला जाता है। 19 नंबर, द मेरिस्टेम दैट इज पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट इज, मेरिस्टेम पैरेलल की बात कर रहा है, तो आपको ध्यान होगा ये वाला स्टेम और सिलेंड्रिकल जो है ना मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, तो पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस कौन सी होगी, सेकेंडरी, और सेकेंडरी इसमें कौन सी है, थर्ड, तो आंसर आ जाएगा वैस्कुलर कैम्बियम। फिर 20, द फर्स्ट इवेंट व्हेन सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट इन डाइकोट रूट, फर्स्ट इवेंट व्हेन सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट इन डाइकोट रूट, तो इस कंडीशन में क्या होना है दोस्तों, डाइकोट में, डाइकोट रूट में, और हमेशा क्या कंडीशन रहती है, जो कैम्बियम बनेगी वो ऑलवेज कैसी रहती है, सेकेंडरी नेचर की होती है, और सेकेंडरी नेचर की होने के कारण क्या होगा, पहले कंजक्टिव टिश्यू की सेल्स डिविजन लेवल होंगी और उसके बाद में क्या होगा, पेरिसाइकल के सेल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेकेंड नंबर, कंजक्टिव टिश्यू सेल्स आर डिवाइड। 21, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पेरेन्काइमा इज ए मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू, करेक्ट है, पेरेन्काइमा परफॉर्म इन ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, करेक्ट है, कोलेनकाइमा प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ डाइकोट, ये रॉन्ग हो गया, पेरेन्काइमा इज एबसेंट इन अंडरग्राउंडेड पार्ट ऑफ मतलब ना प्लांट बॉडी, इट इज ऑलवेज एबसेंट इन अदर प्लांट्स एक्सेप्ट डाइकोट, डाइकोट में ही प्रेजेंट होती है, बाकी सब में एबसेंट होती है और सभी पार्ट्स में नहीं हो सकती, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा थर्ड आंसर। 22nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल, देखिए ये टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, इट इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये कैसी हो गई आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल टिश्यू नहीं है ये, ठीक है, और आपका सिंपल टिश्यू सिंगल बचा पेरेन्काइमा। इसके बाद दोस्तों आता है 123, इनकरेक्ट फॉर मोनोकोट स्टेम, वेस्कुलर बंडल्स आर फाइब्रोवेस्कुलर बंडल, बिकॉज इन मोनोकोट वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाई स्केलेनकाइमेटस बंडल सीथ, याद होगा आपको, और इस स्केलेनकाइमेटस बंडल सीथ के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फाइब्रोवेस्कुलर बंडल, सो ये करेक्ट है। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एबसेंट, ये भी करेक्ट है, स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, ये भी करेक्ट है, और ये मोनोकोट स्टेम के लिए बोला है वेल डिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू एब्सेंट हो गया, बिकॉज ओनली हाइपोडर्मिस का डिफरेंशिएशन होता है, बाकी एंडोडर्म पेरिसाइकल ठीक है कॉर्टेक्स ये डिफरेंशिएट नहीं होते, तो आपके पास फोर्थ आंसर हो जाता है। 124, मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, देखिए यदि आप उसकी बात करें ग्राउंड टिश्यू में तो हाइपोडर्मिस वाले रीजन को छोड़ दो, बाकी लगभग सारा का सारा पेरेन्काइमेटस होता है, तो मेजर पार्ट जो है वो कैसा रहेगा पेरेन्काइमा, फर्स्ट आंसर चला जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 25 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेसोफिल एंड गार्ड सेल्स बोथ आर सिमिलर, मेसोफिल का मतलब है वो सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करें, और गार्ड सेल एपिडर्मल टिश्यू सेल, इन एपिडर्मिस सीओफाइट और हाइड्रोफाइट्स को छोड़ दिया जाए
तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते, तो इनमें सिमिलरिटी केवल क्लोरोप्लास्ट के अलावा और कोई हो ही नहीं सकती। गार्ड सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बाकी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट इज ऑलवेज एब्सेंट एक्सेप्ट सीओफाइट एंड हाइड्रोफाइट। एकमात्र सेल है एपिडर्मिस की, मतलब ए सिंगल सेल ऑफ एपिडर्मिस विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो आपके पास इन दोनों में क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस हो सकती है। ये हमारा आ जाएगा थर्ड। फिर दोस्तों हमारा आता है 126, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज हेल्पफुल इन गैसेस एक्सचेंज आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। आप जानते होंगे कि प्राइमरी स्टोमेटा के इनफ्रंट जो कॉर्क एम्बियम है, इट प्रोड्यूस लूजली बाउंडेड पेरेंटाइमेटस सेल, और वो लगभग अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। थर्ड आंसर चला जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 27, द मेन फंक्शन ऑफ हार्डवुड इज ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। हार्डवुड का फंक्शन नहीं है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट। देखिए इंसेक्ट से प्रोटेक्ट तो तब करें ना जब ये आउटसाइड हो, ये सेंट्रल रीजन में होती है, सो उस कंडीशन में ये इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कहां से करेगी। मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट जो है ये हो चला जाएगा, तो हमारा आंसर चला जाता है थर्ड, इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लांट बॉडी एंड गिव मैकेनिकल सपोर्ट। फिर मैम नेक्स्ट आता है दोस्तों 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेन कॉन्स्टेंट इन वुडी प्लांट्स ईयर बाई ईयर। कॉन्स्टेंट बोल रहा है, देखिएगा क्या होता है, इन आपके पास ये स्टेम, इस स्टेम में ये वैस्कुलर कैम्बियम, और ये वाला पार्ट जो होता है ना ये हार्डवुड। हार्डवुड की क्वांटिटी डे बाई डे बढ़ती चली जाएगी, और सैपवुड जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अगली मतलब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये सैपवुड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हार्डवुड में, और नई सैपवुड लेयर बन जाएगी वो इतनी। तो हार्डवुड की क्वांटिटी तो ईयर बाई ईयर इंक्रीज होती है, बट सैपवुड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर इसमें फर्स्ट। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका 129, ए लिटिल क्लाइमेटिक वेरिएशन इज कॉज ऑफ। इसमें क्या आ जाएगा, आपने देखा होगा कि विंटर सीजन और समर सीजन, आई मीन स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन में क्या होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, तो कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है। इसी वजह से हमें जो प्लांट्स कोस्टल एरियाज में डेवलप होते हैं उनमें एनुअल रिंग नहीं मिलती, तो ये डिफरेंशिएशन को ग्रो जो है ना अफेक्ट करती है, तो डिफरेंशिएशन इन सेकेंडरी वुड ये आ जाएगा, बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 30, टाइलोसेस अकर्स इन सेकेंडरी जाइलम, टाइलोसेस ओनली सेकेंडरी जाइलम। 31, ड्रेसिना वीट पाइनस कोकोनट यक्का मैंगो चाइना रोज डेट पाम एंड डालबर्जिया, इन हाउ मैनी सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स। ड्रेसिना पाइनस कोकोनट यक्का और डेट, ये डेट एंड पाम सिंगल है भैया, ये नहीं है, इसके बीच में कॉमा नहीं है, एंड डालबर्जिया एक ही होगा, तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इतने ही हुए ना। ड्रेसिना 1, पाइनस 2, यक्का 3, नारियल 4 और मैंगो 5, खजूर 6, पाम 7 और फिर ये 8, डालबर्जिया 8। इसमें डेट और पाम के बीच में कॉमा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कॉमा लगा है तो डेट अलग होता है, पामिसी के मेंबर्स अलग होते हैं, आंसर हमारा सेकंड चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। डेट पाम, डेट एंड पाम को हमने अलग अलग किया, पामिसी के मेंबर्स में देखा जा सकती है सेकेंडरी ग्रोथ, और डेट पाम इज ऑल्सो बिलोंग्स टू मोनोकोट प्लांट है, मतलब मोनोकोट है, और उसके अंदर क्या हो जाता है सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, तो डेट एंड पाम अपने अलग अलग कर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा 8 नंबर आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अर्ली वुड इज डार्क कलर्ड एंड हैव लो डेंसिटी, डार्क कलर नहीं होता, स्प्रिंग वुड की बात कर रहा है। इसके बाद कहता है सेकेंडरी ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट्स ओनली, बिल्कुल सही है, सेकेंडरी ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट्स,
ओनली टाइलोसेस आर ट्रेकियरी प्लग ऑफ वेसल्स, ये भी करेक्ट है। और ये कहता है टाइलोसोइड कैन सीन इन सीव सेल, ये भी सही है। तो आंसर फर्स्ट चला जाता है, स्टेट नॉट करेक्ट पूछा इसे, तो डार्क कलर्ड की वजह से ये हो गया। जनरली क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म इफ इट अकर्स इन मोनोकोट, कुछ मोनोकोट्स में देखी जाती है, बट बेटा वो एक्सेप्शन माना जाता है, सो एक्सेप्शनली इट अकर्स इन सम मोनोकोट्स, इसलिए आप ये वाली टर्म यूज कर सकते हैं। तो ये सेकंड सही है। टाइलोसेस जो हो गए वो आपके पास ये वेसल्स है और ये आपके पास जाइलम पेरेन्काइमा है, इसकी आउटग्रोथ हुई और ये इसके अंदर इस तरीके से प्लग्स बना दिए, इनको हम ट्रैकियरी प्लग्स बोल देते हैं। इन्हीं की वजह से तो वेसल्स जो है वो इनएक्टिव हो जाती हैं और फाइनली किसके साथ ऐड हो जाती हैं, आपके उसके साथ हार्डवुड के साथ। फिर इसके बाद आ जाता है टाइलोसोइड, ये ओइड जो टर्म होती है फॉल्स होती है। तो कई बार क्या होता है सीव सेल में भी, और जो ना सीव सेल में ये फ्लोएम पेरेन्काइमा इंसर्ट हो जाती है और ये भी क्या करती है ऐसी स्ट्रक्चर बना देती है रेजिन कैनाल में और सीव ट्यूब में, ये कॉमन होती है, देखी जा सकती है। तो साइटाइलो सॉइड्स। फिर हमारे पास आता है 33, लेटरल रूट्स आर अराइज फ्रॉम पेरिसाइकल बिकॉज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होता है लेटरल रूट्स आर ऑलवेज फ्रॉम पेरिसाइकल व्हाइल लेटरल ब्रांचेस आर अराइज फ्रॉम कॉर्टेक्स, व्हाई? तो उसका रीजन सिंपल सा है कि रूट को कंडक्शन करना होता है और प्रोटोजाइलम के सामने क्या होती है पेरिसाइकल, वो वाली क्या बनाती है लेटरल रूट्स बनाती है, इसलिए उसका जाइलम से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है और उससे क्या होता है उसकी वेस्कुलर सप्लाई कंटिन्यूस हो जाती है। सो उसके साथ अटैच होने के लिए, डायरेक्ट अटैच होने के लिए इसको रिक्वायर्ड होता है। सो ये बोलता है इट इज ए इवोल्यूशनरी कैरेक्टर, इट इज इजी टू कनेक्ट विद जाइलम, सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। पेरिसाइकल की सेल पेरेन्काइमेटस तो है बट डिविजनेबल थोड़ी है, वो तो लेटरल रूट की फॉर्मेशन करनी हो तो डिविजनेबल होती है, अदरवाइज नहीं, बाकी थोड़ी होती, तो इसलिए आपके पास आ जाएगा सेकेंड आंसर। फिर 34, सेकेंडरी जाइलम ओरिजिनेट इन सेकेंडरी जाइलम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, आपके पास चाहे जाइलम की पोजीशन कैसी रही हो, एक्सार्क एंडार्क रूट और स्टेम दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बट ये कैम्बिया बनने के बाद जाइलम की फॉर्मेशन इस तरफ हो रही है हमेशा सेंटर की तरफ, तो आप क्या बोलोगे इसको सेंट्रीपिटल, सेकेंड आंसर चला जाएगा, ऑलवेज सेंट्रीपिटल, इधर से बन के और आगे की तरफ पुश कर रहा है उसको, तो सेंट्रीपिटल हो गया। नाउ 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जिम्नोस्पर्म आर होमोजाइलस, होमोजाइलस उनको बोला जाता है जिनमें जाइलम में केवल ट्रैकिड्स प्रेजेंट हो, और ऐसी कंडीशन आपको जिम्नोस्पर्म में ही मिलती है, ट्रैकिड्स प्रेजेंट होती हैं, वेसल्स एब्सेंट होती हैं, सो जिम्नोस्पर्म आर होमोजाइलस, करेक्ट है। सन हेम्प इज ए एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर, फ्लोएम फाइबर होता है, बास्ट फाइबर होता है, इसलिए ये भी करेक्ट है। न्यूएस्ट सेकेंडरी फ्लोएम लेयर सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, ये भी करेक्ट है। फिर कहता है डाइकोट रूट पजेसेस मोर वेस्कुलर बंडल कंपैरेटिवली टू मोनोकोट, ये रॉन्ग हो गया, इसलिए आंसर आ गया हमारा, बिकॉज 2 to 6 डाइकोट के लिए लिए जाते हैं मैक्सिमम और मोनोकोट पोली आर्क होती है, पोली आर्क रूट होती है मोनोकोट की, ठीक है जी। तो ये वाली कंडीशन आपको मिलती है मोनोकोट, आंसर फोर्थ हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट, इन ए कपल ऑफ लेयर थिक मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड रेक्टेंगुलर सेल इट कट डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड द आउटर सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू और मोर व्हाइल द इनर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू और द देयर आर टुगेदर इज कॉल्ड, इसमें इसको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। फेलोजन इज ए कपल ऑफ लेयर थिक मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल एंड रेक्टेंगुलर सेल्स, आपको पता ही होगा कि कैम्बियम की जो सेल्स हैं वो रेक्टेंगुलर है, तो ये फेलोजन की बात कर रहा है। फिर ये कहता है इट करेक्ट डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड द आउटर साइड डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क और फेलम, एक ही बात होती, और इनसाइड क्या होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म, और इनको कंबाइंडली हम लोग पेरिडर्म बोल देते हैं, फर्स्ट आंसर चला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 37, सीक्वेंस ऑफ सेलुलर लेयर
फ्रॉम द पेरिफ्री टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स इन एन ओल्ड डाइकोट स्टेम इज सेलुलर लेयर फ्रॉम द पेरिफ्री टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स। बाहर से अंदर की तरफ आना, तो बाहर से अंदर की तरफ आने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जानते होंगे कि सेल्स के अंदर क्या चलती रहती है, सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो कंडीशन आएगी, सबसे पहले ये वाला पार्ट हो गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और दोस्तों ये थी जस्ट, मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूं, ये थी हाइपोडर्मिस। इस हाइपोडर्मिस ने आउटसाइड बना दिया कॉर्क, तो इधर आ गया कॉर्क, ठीक है। और इसके बाद इनसाइड क्या बना दिया इसने, सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये बना दिया, ये वाला सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया। इसके कॉन्टेक्ट में कौन रहती है, मतलब ना ओल्ड टिश्यूज, जो ओल्ड डाइको मतलब ना कॉर्टेक्स था, तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, ये हो गई एपिडर्मिस, ये हो गई आपके पास कॉर्क, ये हो गई फैलोजन, फैलोजन, और ये हो गया आपके पास सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो अब आप देखिएगा क्या क्या आना चाहिए, कौन सा रहा है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, गया हाइपोडर्मिस, तो एपिडर्मिस, फैलोजन, बीच में वो रहेगा फैलम, तो इसमें तो फोर्थ आंसर चला जाता है, एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे फैलम, फैलम के नीचे फैलोजन, फैलोजन के नीचे फैलोडर, तो फोर्थ आंसर चला जाता है। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ जाइलम इज प्रेजेंट इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ जाइलम इज प्रेजेंट इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम की बात कर रहा है दोस्तों, स्टेम की बात कर रहा है, तो एंडार्च को बिना किसी हेजिटेशन के आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। 39, वैस्कुलर बंडल्स इज एनक्लोज्ड विद इन ए वेल डेवलप्ड स्केलेनकाइमेटस शीथ इन, वेल डेवलप्ड स्केलेनकाइमेटस शीथ, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टेम का, और वो भी मोनोकोट का, और मोनोकोट के स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स जो है दे आर सराउंडेड बाई स्केलेनकाइमेटस बंडल शीथ, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, शुगर कैन स्टेम फर्स्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 140, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम फ्यूजीफॉर्म इनिशियल ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम द फ्यूजीफॉर्म इनिशियल, आपको पता भी होगा शायद इस चीज का कि ये वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर कैम्बियम, ये दो टाइप की सेल्स प्रोड्यूस करती है, जो वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ सेल कट ऑफ होंगी इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, उनकी शेप होती है फ्यूजीफॉर्म, और वो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम में डिफरेंशिएट होते हैं, और यहां पर जो सेल्स कट ऑफ होती हैं वो पॉइंटेड एंड वाली होती है, रे इनिशियल सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती है। तो दोस्तों इसमें फ्यूजीफॉर्म इनिशियल के लिए पूछा है, तो सेकेंडरी वैस्कुलर एलिमेंट सेकेंड आंसर चला जाएगा। फिर आता है, इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स द डायरेक्ट इनलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन, डाइकोट है ये सीड आपके पास क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ, और ये इसके रेडिकल का इनलोंगेशन हो गया, तो ये क्या बनाएगा, प्राइमरी रूट, तो लेटरल रूट विच रेफर्ड टू है सेकेंडरी रूट रॉन्ग हो गया, रूट कैप ये भी रॉन्ग हो गया, प्राइमरी रूट विच ग्रो इन साइड द सॉइल थर्ड आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम ऑफ ग्रास इलोंगेट ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, दोनों आएंगी एपिकल और इंटरकैलरी बोथ, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ना ये क्या करता है, पीछे की तरफ, ये वाला एपिकल मेरिस्टेम हो गया, ये पीछे की तरफ क्या करेगा, इस जगह नोड के ऊपर और वैस्कुलर कैम्बियम की रिंग छोड़ देता है, ये बाकी के पार्ट को इलोंगेट करने के काम आती है। सो इलोंगेशन किससे होता है, दोनों से, लेट कौन कौन सी, इंटरकैलरी एंड एपिकल, लैटरल तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होती। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्कैलरीड, कॉमनली फाउंड इन फ्रूट पल्प एंड सीड कोट करेक्ट है, लिग्निफाइड वॉल विद नैरो ल्यूमेन करेक्ट है, वेरियस शेप करेक्ट है, ऑल प्लांट पार्ट्स में नहीं मिलेंगी, सारे में थोड़ी होती है, पेरेन्काइमा वाले रीजन में कहां है। फिर आता है 44, हेटरोजीनस टिश्यू आर दोज दे पजेसेस, हिट्रोजीनस, देखिए दोस्तों हमारे पास जितने होमोजीनस टिश्यू होते हैं ना वो है प्राइमरी सिंपल टिश्यू, परमानेंट सिंपल टिश्यू जो है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज में सिंपल टिश्यूज आर होमो
जीनस सारे एक जैसे, जैसे आप पेरेन्काइमा की एक सिंगल सेल की स्टडी करो, पूरे टिश्यू की स्टडी हो जाएगी, बट जाइलम फ्लोएम से थोड़ी ऐसा हो जाएगा, दे आर हिट्रोजीनस बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। सो आपके पास आंसर आ जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। पहला, डिफरेंट फंक्शन में परफॉर्म करे जरूरी थोड़ी है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कॉम्प्लेक्स बोला इसलिए है कि दे मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, बट फंक्शन सिमिलर होता है, मतलब एक ही फंक्शन होता है, कंडक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड कौन सा करना उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट। फिर 145, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, एपिडर्मल सेल्स हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल, ठीक, क्यूटिकल इज एब्सेंट ऑन अंडरग्राउंडेड पार्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ट्राइकोम्स आर सॉफ्ट एंड स्टिफ एंड सिक्रेटरी इन नेचर, करेक्ट है, इन ऑल मोनोकोट्स गार्ड सेल्स आर डंबल शेप, मोनोकोट्स ग्रास फैमिली का कैरेक्टर है दोस्तों, ये सभी मोनोकोट्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मोली मेनली इन पोएसी फैमिली गार्ड सेल्स आर डंबल शेप, सो फोर्थ आंसर चला जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है 46, वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्स जाइलम एंड जाइलम ऑन द आउटसाइड ऑन द इनसाइड एंड फ्लोएम ऑन द आउटसाइड ड्यू टू डिफरेंशियल एक्शन ऑफ हार्मोन, फर्स्ट ही चला जाएगा हार्मोनल, इनसाइड जाइलम बनता है आउटसाइड फ्लोएम बनता है, और एक इसमें यह भी याद रखना है कि जाइलम इज ऑलवेज मोर देन 8 to 10 times मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 147, विच वन इज करेक्ट अबाउट द डाइकोट स्टेम, पेरिसाइकिल कंसिस्ट ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस पेरेन्काइमेटस पैचेस अबाउट द फ्लोएम एंड फ्यू लेयर्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा अल्टरनेटली, पेरिसाइकिल कंसिस्ट ऑफ सेमी ल्यूनर पेरेन्काइमेटस नहीं होते, स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं, सो ये रॉन्ग हो गया। फिर ये कहता है इट डज नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, डज नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, तो किसके लिए पूछा, डाइकोट के लिए पूछा, डाइकोट में तो कॉमन होती है, एंडोडर्मिस इज रिच इन स्टार्च, स्टार्च ये करेक्ट हो गया, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। फिर हमारा आता 148, इन डाइकोट्स लेटरल ब्रांचेस आर अराइज फ्रॉम, डाइकोट्स लेटरल ब्रांचेस आर अराइज फ्रॉम कॉर्टेक्स। 49, अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज 8 to 10 times मोर देन फ्लोएम, इट अकर्स ड्यू टू, यही है डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। फिर हमारा आता 150, द एपिडर्मिस सर्व सेवरल फंक्शन लाइक, एपिडर्मिस की बात कर रहा है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, रेगुलेट गैसेस एक्सचेंज, सिक्रीट मेटाबॉलिक कंपाउंड्स, सारे आ जाएंगे लगभग। मोनोकोट्स में सॉरी रूट में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कर सकता है, इसके अलावा एक्वेटिक प्लांट में तो ये इसका फंक्शन होगा ही होगा, इसलिए सारे चले जाते हैं। फिर आता 151, हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्लांट्स बिलो पजेसेस रेडियल वैस्कुलर बंडल इन देयर रूट, बेटा थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा सोचने वाला, रूट्स ऑलवेज पजेसेस रेडियल वैस्कुलर बंडल, तो आपको इसके अंदर देयर रूट्स बोला है, कोई अलग से तो अपने कुछ कहा नहीं, तो सारे हैं, लाइन से गिन दो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर सेकंड आ जाता है। 152, इन डाइकोट स्टेम एंड रूट्स ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ए नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा फॉर्म्ड बाय कैम्बियम पास थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, इट कॉल्ड, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ है ना ये वाला सेकेंडरी मेडुलरी रेज, दो वैस्कुलर बंडल के बीच ये वाला पार्ट जो है ना इसकी बात कर रहा है, तो इसने कहा इन डाइकोट स्टेम एंड रूट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ए नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल फॉर्म्ड बाई कैम्बियम पासिस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के साथ साथ निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। Which of the following is true for the type of wood have low density formed in dicot tree of temperate zone? Low density, इसका मतलब बात कर रहा है ये किसकी? Spring wood की, और spring wood जो है, these are also called autumn wood, wrong हो गया,
formed during winter, wrong हो गया. possesses ciliary element with vessels of wider cavity, ये हो जाएगा third answer आ जाएगा. फिर हमारे पास आता है 154. choose the incorrect statement. lenticel are aerating pores present in the bark of plants and are associated with gaseous exchange. बिल्कुल सही है. incorrect पूछा है. what is the common name used for secondary xylem? सही है. इन डाइकोट स्टेम पेरिसाइकिल इज यूजुअली मल्टीलेयर्ड, ये भी ठीक है. सीव ट्यूब हैज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म ए लार्ज वैक्यूल, यहां तक ठीक है और इसकी वजह से रॉन्ग हो गया तो फोर्थ आ जाएगा. पॉसेसेस न्यूक्लियस. 55. ए कप लाइक रीजन ऑफ स्लोली डिवाइडिंग और इनएक्टिव सेल्स इन द मिडिल ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल, ये वाला रूट में होता है. यहाँ पे रूट में क्या होता है, ये वाला एरिया जो होता है, यहाँ की जो सेल्स होती है ये मतलब ना स्लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करती है, जनरली इनएक्टिव होती है. इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्यूसेंट सेंटर. तो थर्ड आंसर आ जाता है. नेक्स्ट है 156. हाउ डू द लीव्स ऑफ हायर प्लांट्स ग्रो. लीफ है, लीफ में क्या होता है, यहां पर ये एक मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, इसका नेम होता है मार्जिनल मेरिस्टेम. ये लीफ के एक्सपांशन में हेल्पफुल होती है और पेटियोल की ग्रोथ जो होती है वो इंटरकैलेरी से होती है. ये पार्ट पूरा का पूरा एपिकल का है, एपिकल पीछे छोड़ती है इसको. लीफ प्राइमोडिया आर प्रोड्यूस्ड बाय एपिकल मेरिस्टेम. सो बाय एपिकल और लैटरल, लैटरल नहीं होती इसलिए रॉन्ग हो गया. मार्जिनल एंड इंटरकैलेरी मान लेते हैं, लैटरल गलत हो गया. एपिकल एंड इंटरकैलेरी का भी इसमें कोई रोल नहीं है, अकेला केवल पीटियोल जो होता नहीं है. तो सेकेंड आंसर बच जाता. 57. बिटवीन विच ऑफ द कॉन्टिजियस सेल मिडिल लैमिला इज एबसेंट. याद करिएगा दोस्तों, इसके अंदर टू गार्ड सेल्स हैं. इन गार्ड सेल में यहाँ पे मिडिल लैमिला होगा तो स्ट्रोमेटल ओपनिंग कैसे होगी, बाकी सभी सेल के बीच में मतलब टू एडजेसेंट सेल आर सॉरी मिडिल लैमिला इज ए सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, सभी सेल के बीच प्रेजेंट होती है बट गार्ड सेल्स में ऐसा नहीं होता. तो आंसर आ जाएगा हमारे पास गार्ड सेल्स. 58. द मेन फंक्शन ऑफ प्राइमरी मेडुलरी रेज. प्राइमरी मेडुलरी रेज जो है वो स्टोरेज का फंक्शन करती है, कंडक्शन का फंक्शन तो सेकेंडरी का होता है. सो हमारे पास फर्स्ट आंसर चला जाए. 59. इन रूट द पेरिसाइकिल गिव राइज टू ब्रांचेज ऑफ रूट जाइलम एंड फ्लोएम और कॉर्क कैम्बियम. तो दोनों आ जाएंगे, फोर्थ आ जाएगा. रूट में पेरिसाइकिल ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस करता है और इसी के साथ साथ में क्या होता है, रूट के अंदर ब्रांच ऑफ रूट इज ऑल्सो अराइज फ्रॉम पेरिसाइट. 160. विच ऑफ द वेस्कुलर एलिमेंट्स आर ब्लॉक्ड इन विंटर सीजन बाई द एपियरेंस ऑफ कैलस. कैलस की बात कर रहा है और वेस्कुलर एलिमेंट बोला है इसने, वेसल नहीं बोला है. तो आंसर क्या जाएगा हमारा, सीव सेल. सीव सेल में क्या होता है, विंटर सीजन में इस प्लेट के ऊपर और एक कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट हो जाता है जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैलस, ठीक है, और समर सीजन में डिसॉल्व हो जाता है. आफ्टर टू ईयर ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ कॉर्टेक्स ऑफ ए डाइकोट रूट एंड स्टेम इज लगभग उतर जाता है, तो नियर अबाउट लॉग ऑफ, ठीक है. तो हमारा क्वेश्चन नंबर था 162. Which of the following statement are incorrect and correct respectively? दोस्तों पहले अपने को incorrective देखना, incorrect देखना, then correct देखना. तो veins provide rigidity to the leaf blade and act as channel to transport for water and food. ये correct statement हो गया. B. In canna, flowers are divided into similar half by any vertical plane. It is the wrong statement because canna flowers are asymmetrical flower. सेकेंड नंबर है सी है आपके पास. ए फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स देयर अरेंजमेंट एंड रिलेक्शन, ये भी करेक्ट है. फिर आता है स्टिप्युलेट लीव्स अकर्स इन फैबेसी, यहां तक तो ठीक है बट इन सोलोनेसी एंड लिलियेसी लीव्स आर एक्स स्टिप्युलेट, सो ये रॉन्ग हो गया. आपको पहले बताना है इनकरेक्ट देन बताना है करेक्ट. तो इनकरेक्ट में आ जाएगा ए एंड सॉरी बी एंड सी आता है तो ठीक है. ए मतलब ना सॉरी बी एंड सी आता है तो ठीक है या फिर डी एंड सी आता है तो ठीक है.
ऐसा ऑप्शन हमारे इसमें है नहीं, तो करेक्शन था इसके उसके अंदर जो मैंने पेपर में करवा दिया था, ये सी है यहाँ पर, बी एंड सी। सो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? फोर्थ चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था 162, क्वेश्चन नंबर 162, पैरेंकाइमेटस मेडुलरी रेज ऑब्जर्व्ड अलोंग द रेडियाई ऑफ प्रोटोजाइलम इन डाइकोट रूट्स आर। डाइकोट रूट्स हैं, कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है दोस्तों उसके अंदर, मेडुलरी रेज प्रोटोजाइलम के साथ होती नहीं है प्राइमरीली, लेकिन बाद में उनका डेवलपमेंट हो जाता है। सो दे आर क्या हो जाएगा आपके पास, प्राइमरी इन ऑरिजन, और सेकंड कहता है सेकेंडरी इन ऑरिजन, थर्ड कहता है पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी, और लास्ट बोलता है नन ऑफ दीज। तो आंसर आ जाता है सेकेंडरी इन ऑरिजन, बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम आफ्टर सम टाइम फ्रॉम प्रोकैम्बियम, तो आप इसको सेकेंडरी इन ऑरिजन बोलेंगे। इसके बाद आंसर हो गया इसका सेकंड। नाउ 164 नंबर क्वेश्चन, द प्रोकैम्बियम इज डिफरेंट फ्रॉम द कैम्बियम इन दैट द फॉर्मर गिव राइज टू। आपके पास आता है कि प्रोकैम्बियम इज डिफर फ्रॉम कैम्बियम, प्रोकैम्बियम ऑलवेज प्राइमरी टिश्यूज जो है ओरिजिनेट करता है। सो आंसर आ जाता है हमारा फर्स्ट, प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज। 65, द फ्रूट ऑफ लिनियसीज कैप्सूल होता है जनरली, और रेयरली वो हो जाता है बेरी, तो हमारे पास थर्ड आंसर आ जाता है। 65, बास्ट फाइबर्स आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम एंड फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, यही होगा, प्राइमरी में एब्सेंट होते हैं सेकेंडरी में प्रेजेंट होते हैं, जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम एज वेल, ये नहीं होगा, जनरली प्रेजेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट एब्सेंट, ये भी नहीं, तो फर्स्ट आंसर चला जाता है। फिर दोस्तों 67, एज कंपेयर टू ओल्ड डाइकोट स्टेम इन ओल्ड डाइकोट रूट द मेडुलरी रेज आर, ओल्ड डाइकोट स्टेम इन ओल्ड डाइकोट, ये लार्जर होगी, ये हो जाएगा थर्ड, रूट के अंदर जो है वेल डिफ्रेंशिएटेड होती। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 68, व्हाट इज ट्रू फॉर द एनाटॉमिकल रेफरेंस एज स्टार सीथ इन डाइकोट स्टेम। स्टार सीथ का मतलब एंडोडर्म की बात कर रहा है, कंटेन अबंडेंट इंटरसेल्युलर स्पेस, ये वाली पोजीशन है, इंटरसेल्युलर स्पेस कहां से आएगा, सिंगल सेल थिक होती तो रॉन्ग होगी, कंटेन राउंडेड नहीं है, बैरल शेप्ड होती है और थिन वॉल्ड नहीं होती है, इट कंटेन सुबेरियन डिपोजिशन, ये सही है, स्टोर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं स्टार्च, तो थर्ड आ जाएगा। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोवाइड सपोर्ट एंड इलोंगेट विद ग्रोविंग अपेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोवाइड सपोर्ट एंड इलोंगेट विद ग्रोविंग अपेक्स, ये काम तो पोलेनकाइमा का होता है, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंडरी जाइलम इज एबसेंट इन सेकेंडरी जाइलम, देखिए मेंजीफेरा मैंगो पेरिनियल प्लांट है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी मिलेगा, फाइकस सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, पर चना जो होता है ना इसके अंदर ग्राम सीड, इसके अंदर कहां से सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सो ऑलवेज एबसेंट, सेकेंड आंसर चला जाएगा। 71, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, वेस्कुलर टिश्यूज आर एबसेंट इन जोस्टेरा लाइक प्लांट, इन एक्वेटिक प्लांट आइदर वेस्कुलर टिश्यूज आर एबसेंट और इफ प्रेजेंट देन दे आर लेस डेवलप, तो जोस्टेरा कैसा है, एक्वेटिक प्लांट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इन डाइकोट प्लांट पोजिशन ऑफ प्रोटोजाइलम इज अपोजिट इन रूट एंड स्टेम, बिल्कुल है, एक में एक्सार्क होती है एक में एंडार्च होती है, तो प्रोटोजाइलम की पोजिशन डिफरेंट होती है, बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही है, एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, पैरेन्काइमेटस थोड़ी होती है, इसके अंदर क्या होता है, सारी की सारी सेल पैरेन्काइमेटस थोड़ी है। आप यदि फ्लोएम की बात करो तो मैक्सिमम पार्ट इज पैरेन्काइमेटस, बट फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर्स आर स्केलेनकाइमेटस, सो आप यहां पे वन टाइप ऑफ थोड़ी बोल सकते हो, मोर देन वन टाइप होती, तो ये आंसर चला जाए। 72, इन मोनोकॉट एंड डाइकोट प्लांट्स सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी पजेसेस सम थिन वॉल्ड लूजली बाउंडेड सेल्स, दीज आर अकर्स इन, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पिथ, और पिथ किस में प्रेजेंट होता है, मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट,
डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट, डाइकोट लीफ, मोनोकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम, सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, ठीक है भाई। पिथ प्रेजेंट होता है मोनोकोट रूट में और डाइकोट स्टेम में, उल्टा कर दे तो नहीं मिलेगा, डाइकोट रूट में लेस डेवलप्ड और एब्सेंट, और मोनोकोट स्टेम में तो बिल्कुल ही नहीं। 73 एनुअल रिंग्स आर सीन इन दोज प्लांट्स दे ग्रो नियर सी शोर बिकॉज, क्या बोला इसने, सी शोर मतलब कोस्टल एरियाज में एनुअल रिंग्स जो है वो उनका पता ही नहीं चलता, डिस्टिंक्ट नहीं होती, पता भी नहीं होता उनको, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, लास्ट, कुछ भी नहीं सोचना, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 74 इन मोनोकोट स्टेम वैस्कुलर बंडल्स कंटेन ए वाटर कैविटी, इट डेवलप्स ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा के डिवीजन से। देखिए अभी अभी मैंने डायग्राम बनाया था थोड़ी देर पहले भी इसका, ये मेटाजाइलम है, ये फ्लोएम है, और ये प्रोटोजाइलम है, और ये जाइलम पेरेन्काइमा, ये इसका डीजनरेशन हो गया, इसमें वाटर फिल हो जाता है, तो जाइलम पेरेन्काइमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का यूनिवर्सल कंपोनेंट है सीव सेल, यदि सीव सेल आपस में फ्यूज हो गई तो ट्यूब बन गई, अदरवाइज सेल हो गई, तो सेल यूनिवर्सल है, ट्यूब इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। 75 के बाद 76 सीव सेल एंड कंपेनियन सेल आर रिलेटेड ऑन्टोजेनेटिकली, दे ओरिजिनेट फ्रॉम सेम मदर सेल, और फंक्शन दोनों का अलग अलग होता है, तो सिंगल मदर सेल बट फंक्शन इज डिफरेंट, सिंगल मदर सेल बट फंक्शन इज डिफरेंट। फोर्थ आ जाएगा, ये एक सेल है, ये डिवाइड होने के बाद इससे तो सीव सेल बनेगी और इससे कंपेनियन सेल बनेगी, तो कैसी होती है, दोनों सिस्टर सेल के नेम से जानी जाती। 77 फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, पेक्टोसेल्यूलोजिक डिपोजिशन, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, सेल्स आर लिविंग एंड मोस्टली पॉलीगोनल, कहां मिलेंगी ये सारी की सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके, हाइपोडर्मिस के, और हाइपोडर्मिस कौन सी, कोलेनकाइमेटस, और कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज द पार्ट ऑफ डाइकोट स्टेम, थर्ड आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबसेंट इन हर्ब्स, हर्ब में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए फोर्थ, बाकी सब सारी चीजें मिल जाएंगी। 79 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सिलरी बड, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंक्रीज द गर्थ ऑफ स्टेम, इनका रोल होता है इलोंगेशन का, सॉरी इसका इलोंगेशन का रोल होता है, एक्सिलरी बड कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो केवल ये होती तो ये करेक्ट हो जाता। ये कहता है कोर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीज लेंथ ऑफ पार्ट, कोर कैम्बियम नहीं करेगी, इसकी वजह से रॉन्ग हो गया। लोअर लेयर ऑफ डाइकोट लीव्स इज लूजली बाउंडेड एंड इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, बिल्कुल सही है, डाइकोट लीफ में लोअर पार्ट जो होता है वो लूजली बाउंडेड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा गैसियस एक्सचेंज करेगा। वैस्कुलर कैम्बियम एंड मार्जिनल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन लीफ, वैस्कुलर कैम्बियम क्या करेगी वहां पे भैया, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ कभी नहीं होती लीफ में, इसलिए ये भी रॉन्ग। एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेसल्स, ग्रिड सेल, कॉर्क सेल, फाइबर, ट्रैकिड्स, पेरेन्काइमा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, इन हाउ मेनी स्ट्रक्चर लिग्निन इज प्रेजेंट, फर्स्ट, सेकेंड, लिग्निन की बात कर रहा है, थर्ड, फोर्थ, और बस चार ही, तो फर्स्ट ही चला जाएगा, तो 180 में फर्स्ट आंसर। दोस्तों ये था हमारा पेपर, आशा करता हूँ कि बढ़िया ही हुआ होगा, कुछ जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं, इसके साथ साथ हो सकता है आपके लिए यूजफुल हो, तो एंजॉय, थैंक यू।